12.5 का टॉपिक है ना, वो बड़ा इजी है। अगर आपने पुराने चैप्टर्स पुरानी एक्सरसाइजेस का सही कॉन्सेप्ट हासिल कर लिया है ना, तो 12.5 आपको मसला नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन ये 12.5 ऐसी एक्सरसाइज है जो पुरानी बुक में 13.2 आ करती थी, और ये वो एक्सरसाइज थी जो 99 बच्चों को मसला करती है 100 में से। लाइक आप ये समझ लो, तकरीबन 100% बच्चे इस एक्सरसाइज में फंसते हैं। अब उसकी मुझे नहीं पता क्या वजह है। एक वजह ये भी है कि प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके इसको पढ़ाया नहीं जाता। जैसे मैं शुरू में ना एक टेबल आपको बताऊंगा, वो टेबल अगर आप समझ लोगे ना, तो आपके ज्यादातर मसले हल हो जाएंगे। बाकी इक्वेशन सॉल्व करना जो बचपन में आपने सीखा था ना, अलजेब्रा में 8th क्लास में 10th क्लास में, वही काम करना है आपने इसके अंदर। बस वो टेबल की अगर इंस्ट्रक्शन आपने देख लेना, तो एक्सर हलवा हो जाएगी। इसका सवाल लॉन्ग में आएगा, मॉडल पेपर में आएगा, लॉन्ग में ही है इसका सवाल, या शॉर्ट में तो लाजमी आएगा। इस एक्सरसाइज से 5 नंबर या लॉन्ग में तो लाजमी आएगा, कुछ ना कुछ बनता है इससे 12.5 में से। तो ये बड़ी मुश्किल लगती है बच्चों को, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी आप लोगों को आसान लगे। अगर आपने पुराने टॉपिक समझे हैं ना, तो आपको काफी आसान लगेगी, इतना मसला नहीं होगा इसके अंदर। दूसरी बात, इसमें आंसर जो है वो बुक से डिफरेंट हो सकते हैं, मैं पहली बता रहा हूँ। कितने दफा बुक वालों ने कोई मिस्टेक की भी होती है, मैं बताऊंगा कुछ में मिस्टेक की भी होगी, और कितने क्वेश्चन में बुक ने थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट से लिखा होगा, मैं थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट से लिखूंगा, तो उसमें गलत सही नहीं होगा कुछ। तो मैं रिकमेंड करूंगा, मुझ पर भरोसा रखना, बुक के आंसर को मैच नहीं करना। अगर आप चाह रहे हो कि बुक वाले ने क्यों ऐसे लिखा, उसकी रीजन है सारी जो मैं पुराने टॉपिक में बता चुका था। जैसे फॉर एग्जाम्पल टेंजेंट के केस में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ही एंगल निकालना, और जो एंगल निकाला है उसके अंदर एन पाई ऐड कर देना। अब एक कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है जो आमतौर पर टीचर्स या बुक वाले करवा रहे होते हैं, कि वो टेंजेंट के केस में दो आंसर निकालते हैं, फिर उन दोनों आंसर में अलग अलग 2n पाई ऐड करते हैं। ये भी एक ही बात है। तो कहने का मसला ये है कि मैं हर सवाल में अब आपको रियल कॉन्सेप्ट बताने लगे तो टाइम काफी लग जाएगा। तो मुझ पर यकीन ले आना, जो मैं करवाऊँ वो बिल्कुल ठीक होगा, 100% गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को। बुक से मैच करने की कोशिश मत करना, कुछ मिस्टेक्स भी हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। और तीसरी बात कि जब आप सॉल्यूशन कर रहे होते हो ना, तो दो किस्म के आंसर आ सकते हैं, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज देखो या आप क्लॉकवाइज देखो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आंसर आ रहा है -90 डिग्री। अब -90 डिग्री क्लॉकवाइज है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज देखो तो 270 डिग्री होता है। तो हम नॉर्मली प्रेफर करते हैं कि एंगल पॉजिटिव हो, अगर कोई नेगेटिव आ रहा होगा हम उसको पॉजिटिव बना देंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि पॉजिटिव एंगल हो, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि आंसर में भी ना पॉजिटिव एंगल हो। लेकिन अगर कोई नेगेटिव लिखेगा गलत नहीं होगा, बस पॉजिटिव को हम प्रेफर करते हैं। तो मे बी बुक में अगर आपको कोई नेगेटिव एंगल मिल रहा है, मैंने उसको पॉजिटिव करके करवाया हुआ होगा। तो ये वो चीजें हैं जो आपको डिफरेंट लग सकती हैं किसी और टीचर के सॉल्यूशन में या बुक के सॉल्यूशन में। तभी मैंने बताया कि मेरे सॉल्यूशन को फॉलो कर लो, जो मैं करवा रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। बाकी चीजों को देखोगे तो अगर टाइम है तो सोचोगे तो जवाब मिल जाएगा, लेकिन टाइम होना चाहिए उसके लिए। इसलिए मुश्किल एक्सरसाइज है, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा जो मैं करवा रहा हूँ वो करो, क्योंकि वाकई मुश्किल है, ये लगती है बच्चों को। तो जो मैं कह रहा हूँ उस तरह करो तो इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। अच्छा, इसका टॉपिक क्या है? इसका टॉपिक सिंपल है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। सेम यही एक्सरसाइज आई गेस 12.2 थी या 12.3 थी, 12.3 थी आई गेस, नहीं 12.2 है, जहां पे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व किया था। लेकिन वहां पे आपने कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जरिए से सॉल्व नहीं किया था, आपने ग्राफ के जरिए से सॉल्व किया था, एक बात। दूसरी बात, वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बड़ी बच्चों वाली हुआ करती थी, साइन थीटा इज इक्वल टू कोई वैल्यू, कॉस थीटा इज इक्वल टू कोई वैल्यू। यहाँ पे आप देखोगे काफी खतरनाक किस्म की इक्वेशन है, तो ये आपको फर्क नजर आएगा। तो वहां पे ग्राफ के जरिए से आपने इक्वेशन को सॉल्व किया था, यहाँ पे आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जरिए से इक्वेशन को सॉल्व करोगे। और ये जो मेथड है ये मुश्किल से मुश्किल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पे वैलिड है, जबकि वो वाला मेथड तो सिंपल पे आप फॉलो किया करते थे। तो असल मेथड यही है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। अब जो मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ ना, ये 5-10 मिनट है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपने समझ लिया तो इंशाल्लाह मसला नहीं होगा आपको। वो ये कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तो मैंने बताया था साइन और कॉस के अंदर 0 से लेके 360 तक हम सारी डिस्कशन पाई के अंदर करेंगे। लेकिन अभी मैं डिग्री के अंदर इसलिए बता रहा हूँ ताकि समझने में थोड़ी आसानी हो, डिग्री में समझने में आसानी होती है। हम क्या करेंगे, हम साइन और कॉस में, पहले भी मैंने आपको 12.2 में बताया था, 0 से लेके 360 के दरम्यान हम एंगल निकालेंगे। मैक्सिमम केसेस में आपको दो एंगल मिल रहे होते हैं, फिर उन दो एंगल से आप जनरल सॉल्यूशन लिखते हो। किस तरीके से, आप 2n पाई उसके अंदर ऐड करते हो, ये क्लासिकल तरीका होता है। अगर टेंजेंट की बात की जाए तो टेंजेंट में क्या करते हो, 0 से लेके 180 के दरमियान आप एंगल मालूम करते हो, जो एंगल उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। जब वो एंगल आ जाएगा उसके अंदर एन पाई ऐड करोगे और जनरल सॉल्यूशन बना लोगे, ये भी 12.2 में हमने देखा था।
बाकी अगर तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे ना, हम उनको कन्वर्ट कर देंगे ई में, तो बाकियों की आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने उनको इन्हीं में कन्वर्ट करना है, और इनको सॉल्व करने का तरीका आपको बस पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि दो दो एंगल आप निकालोगे, किसी केस में एक एंगल आ जाएगा कोई इशू नहीं है, लेकिन ज्यादातर केस में दो एंगल आएगा साइन और कॉस में, आप उन दोनों में 2n पाई ऐड करोगे, जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। और टेंजेंट के केस में एक एंगल निकालोगे और जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, एन पाई उसके अंदर ऐड कर दो। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि साइन और टेंजेंट की, अच्छा एंगल आप निकालोगे किस तरीके से, अब जरा उस पर आ जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, सबसे पहले हम बात करेंगे साइन थीटा की, फिर हम बात करेंगे कॉस थीटा की, फिर हम बात करेंगे टेंजेंट थीटा की। सही, दूसरा कॉलम क्या है इस पे, फर्स्ट एंगल। ये फर्स्ट एंगल का मतलब क्या है, इसको आप इस तरह भी बोल सकते हो प्रिंसिपल एंगल। ये वो एंगल है जो आपको कैलकुलेटर देगा। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को लास्ट टॉपिक में बताया था कि जब आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो, फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, थीटा कैसे निकालोगे, साइन को उधर ले जाओगे, साइन इनवर्स 1/2। तो जब आप कैलकुलेटर में साइन इनवर्स 1/2 लिखोगे तो एक ही एंगल मिलेगा आपको, उस एंगल को आप क्या बोलते हो, प्रिंसिपल एंगल, जो कि साइन के अंदर 90 डिग्री और -90 के दरमियान था, अगर आप लोगों को याद हो। इसी तरह कॉस के अंदर 0 और 180 डिग्री के दरमियान था, तो प्रिंसिपल एंगल कहलाता है। तो जो पहला एंगल आपको मिलेगा वो कैलकुलेटर आपको देगा, खुद भी आप निकाल सकते हो, लेकिन कैलकुलेटर की जरूरत, अब कैलकुलेटर से निकालना कॉन्सेप्ट मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि प्रिंसिपल एंगल आप कैसे निकालोगे, वो जब 12.4 का पहला सवाल था ना, इनवर्स की वैल्यूज निकाल लेते, तो प्रिंसिपल एंगल मैंने वहां पे सिखाया था आप लोगों को विदाउट कैलकुलेटर, अभी हम कैलकुलेटर से ही सीखेंगे हर चीज। तो पहला एंगल तो आपको कैलकुलेटर दे देगा, प्रिंसिपल जिसको हम कह रहे हैं, तो यहाँ से आपको पहला एंगल थीटा मिल जाएगा, यहाँ से पहला एंगल थीटा, एज्यूम कर लो जो पहला एंगल आ रहा है उसको मैं थीटा कह रहा हूँ। अब रही बात दूसरा एंगल, दूसरा एंगल कैसे निकालोगे, क्योंकि पहला तो आपको कैलकुलेटर दे देगा, दूसरा तो आपको खुद ही निकालना पड़ेगा ना। सेकेंड एंगल निकालने का तरीका क्या होगा साइन के केस में, कि आप पाई में से माइनस कर दोगे पहले वाले एंगल को, जो भी पहला एंगल आया होगा ना, आप माइनस पाई माइनस पहला वाला एंगल, तो जो भी आपके पास आंसर आएगा आपको दूसरा एंगल मिल जाएगा। इसी तरह कॉस के चक्कर में, कॉस के केस में क्या करोगे, 2 पाई में से माइनस करोगे, जो भी यहाँ पे एंगल आया होगा, फॉर एग्जाम्पल पहला एंगल आया 30 डिग्री, तो आप 360 को 30 से 360 माइनस 30 330, तो पहला अगर 30 होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा 330 हो जाएगा, तो दूसरा एंगल आप इस तरह निकालोगे। और टेंजेंट के केस में बताया था आप दूसरा एंगल नहीं निकालते, आप एक ही एंगल निकाल रहे होते। अच्छा एक आखिरी कॉलम है, वो क्या है कि अगर आपका एंगल नेगेटिव आते, इफ नेगेटिव एंगल, तो फिर क्या होगा। मैंने बताया था हम कोशिश करते हैं कि हमारे एंगल पॉजिटिव ही हों, कहने का मतलब ये जो प्रिंसिपल एंगल है ना थीटा, अगर बिलफर्स कंसीडर कर लो नेगेटिव आ जाए तो आप क्या करोगे, हमारी कोशिश होती है हम एंगल को पॉजिटिव रखें, तो सेकंड एंगल के निकालने में तो कोई फर्क नहीं है ना, सेकंड एंगल वैसे ही निकालोगे, पाई माइनस जो भी थीटा आया होगा नेगेटिव, वही आप यहाँ पे पुट करोगे, इसी तरह यहाँ पे भी आप वही काम करोगे, तो इसमें कोई यहाँ पे तो फिर आएगा नहीं। तो नेगेटिव किस केस में आता है, साइन और टेंजेंट के केस में, साइन इनवर्स कैलकुलेटर में निकालोगे तो नेगेटिव आ सकता है, टेंजेंट इनवर्स करके कुछ निकालोगे तो कैलकुलेटर में नेगेटिव आ सकता है, कॉस इनवर्स में कभी नेगेटिव नहीं आता, क्योंकि कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज जो है वो 0 से लेके 180 है, कॉस इनवर्स में कभी नेगेटिव एंगल आपको नहीं मिलेगा, तो ये वाली चीज आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव एंगल यहां मिल सकता है, नेगेटिव एंगल यहां मिल सकता है, कॉस के अंदर कभी कैलकुलेटर आपको नेगेटिव आंसर नहीं देगा, करके देख लेना। सही है, तो अगर साइन के केस में नेगेटिव एंगल आ रहा है तो इस थीटा को क्या करोगे, इस थीटा के अंदर ना आप ऐड कर देना 2 पाई। सुन लो, अभी जब क्वेश्चंस करवाऊंगा तो मजीद इस पे आप अमल कर लेना, कि जो आपके पास कंसीडर कर लो अगर थीटा नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे आपने दूसरा एंगल निकालने के तरीके में कोई फर्क नहीं है, जो थीटा नेगेटिव आ रहा होगा ना वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है, नेगेटिव भी आप यहाँ पे पुट करोगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जो पहला एंगल है ना उसको आपने चेंज करना है, सेकंड एंगल के निकालने में कोई फर्क नहीं है, जो पहला नेगेटिव आ रहा होगा ना उसको आपने पॉजिटिव बनाना है, और उसको पॉजिटिव कैसे बनाओगे, उसके अंदर 2 पाई ऐड कर दूंगा, तो पहला एंगल ये हो जाएगा और दूसरा एंगल अभी भी वही रहेगा, कोई फर्क नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर आपको आंसर दे रहा है -π/3, ये कैलकुलेटर ने आपको आंसर दिया, दूसरा एंगल निकालने के तरीके में कोई फर्क नहीं है, दूसरा एंगल कैसे निकालोगे, पाई माइनस जो पहला एंगल था -π/3, सॉल्व करो यहां से आंसर आ रहा होगा 4π/3, तो ये आपका दूसरा एंगल है, इसको आपने कुछ नहीं करना, वही फॉर्मूला है, छेड़ना है आपने पहले वाले एंगल को, पहला वाला नेगेटिव था ना, हमारी कोशिश होती है हम इसको पॉजिटिव कर देते हैं, तो आप क्या करो, कैसे पॉजिटिव करोगे, 2π ऐड करोगे, तो 2π ऐड करोगे हो जाएगा 5π/3,
पहला एंगल अब ये बन जाएगा, दूसरा एंगल 4π/3 है। तो आपने देखा दूसरे में कोई फर्क नहीं है, वही पाए माइनस थीटा आपने करना है, बस अगर पहला एंगल नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप 2π ऐड करोगे, दैट्स इट, सही है। और अगर टेंजेंट के केस में पहला एंगल, अब देखो टेंजेंट के केस में एक ही आप एंगल निकालोगे, अब बिलफर्ज अगर वो एंगल नेगेटिव है तो आप उसको पॉजिटिव बना दो, उसको पॉजिटिव कैसे बनाओगे, उसके अंदर पाई ऐड करोगे, बस ये काम करना है आपने। और इनके लॉजिक भी है ना, सिंपल सी बात है, जैसे इस वाले केस में अगर ये माइनस पाई बाई थ्री का मतलब था -60, कंसीडर कर लो ये पूरा -60 है, तो अब इसको अगर मुझे पॉजिटिव बनाना है तो इस -60 के अंदर आप 360 ऐड कर दो, 360 ये पूरा हो जाएगा, मतलब यहां से आप स्टार्ट करो और पूरा 360 यहां पे आ जाएगा। कहने का मतलब अगर आप एंटी क्लॉकवाइज देखो तो ये पूरा एंगल कितना है, 300 डिग्री। तो -60 और 300 डिग्री एक ही बात है, बस -60 क्लॉकवाइज है और 300 पूरा एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये वही तो काम किया आपने, -π/3 के अंदर 2π ऐड किया तो 5π/3 मतलब 300 डिग्री आ गया था। तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए आपने बस 360 ऐड किया और आपको पॉजिटिव वाला एंगल मिल गया। और टेंजेंट के केस में क्या होता है, मैंने आपको बताया था बिलफर्ज अगर टेंजेंट के केस में आंसर आ रहा है फॉर एग्जाम्पल -45, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लो, तो मैंने बताया था टेंजेंट के केस में अगर यहाँ पे -45 है तो इस लाइन को पीछे एक्सटेंड कर दो, जो यहाँ पे एंगल बन रहा होगा वो भी सेम ही वैल्यू आएगी आपको, तो यहाँ पे क्या एंगल बन रहा होगा 135 डिग्री। टेंजेंट के केस में ऐसी होता है, जो आपको एक एंगल मिलता है ना उस लाइन को पीछे कर दो तो जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल है वो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो अब अगर डायग्राम आपको नहीं आती बनाना तो आप जस्ट क्या करो, -45 में पाई ऐड कर दो, ये -45 है ना, यहां से आप स्टार्ट करो और पाई ऐड करो, पाई का मतलब हाफ पूरी रोटेशन, तो आप यहाँ पे आ जाओगे, तो दैट्स व्हाई टेंजेंट के केस में आप पाई ऐड कर रहे हो और साइन के केस में आपने पूरी 1 रेवोल्यूशन यहां से स्टार्ट करना पूरा यहाँ पे आना, जिसको आप 300 डिग्री कह रहे हो, सही है। अच्छा जी बस यही है, इसमें तो कोई इशू नहीं है, -45 आपको कैलकुलेटर दे देगा, जब कैलकुलेटर हमेशा प्रिंसिपल देता है, मतलब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में देगा टेंजेंट केस में, तो जब प्रिंसिपल आपको मिल गया आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, -45 = 135 डिग्री, जो 135 पे टेंजेंट है वही -45 पे टेंजेंट। अच्छा 135 प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल तो -45 ही है, ये आपको किसी ने नहीं कहा कि जो प्रिंसिपल एंगल है उसी को आपने जनरल सॉल्यूशन में लिखना है, नहीं, जनरल सॉल्यूशन में आपने बस एंगल लिखना होता है जो भी 360 के दरमियान कोई भी एंगल आपको मिल जाए, उसमें कोई प्रिंसिपल एंगल लिखने की शर्त नहीं होती कि आपने -45 ही लिखना है क्योंकि कैलकुलेटर ने ये आंसर दिया था, वो कैलकुलेटर की मर्जी है, कैलकुलेटर आपको हमेशा प्रिंसिपल देगा, उसको आपने अपने मुताबिक जिस तरह भी लिखना आपकी मर्जी है, जैसे आप -π/3 लिखो ये प्रिंसिपल है, लेकिन 5π/3 प्रिंसिपल नहीं है, 300 डिग्री प्रिंसिपल कैसे होगा, जैसे 300 डिग्री ये तो साइन के आंसर में कभी भी नहीं आएगा ना कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर हमेशा -60 देगा, लेकिन जनरल सॉल्यूशन में आप -60 लिखो या 300 डिग्री लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात मानी जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ये सब चीजें जो है मैं अभी जितने भी क्वेश्चन है उस पर इम्प्लीमेंट करूंगा, शुरू शुरू में शायद आपको सीखने में मसला होगा, लेकिन जब आप तीनों केस पढ़ लोगे ना कि साइन की इक्वेशन को मैंने कैसे सॉल्व किया, कॉस की इक्वेशन को, टेंजेंट की इक्वेशन, फिर आपके लिए हलवा हो जाएगा, बस पहले पहले क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा मसला हो सकता है, बाकी इंशाल्लाह इजी हो जाएगा। तो मैं 18 क्वेश्चन करवाऊंगा, सब करवाऊंगा क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन बस जो मेन मेन हिस्सा है ना वो मैं करवा दिया करूंगा, इसका शुरू का क्वेश्चन मैं फुल कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है cos x plus 1/2 is equal to 0, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, आपने यहाँ पे x की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है, इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करने का मतलब x की वैल्यूज निकालनी है कि जो वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। सॉल्व कैसे करोगे, सिंपल आप लिखो cos x is equal to -1/2, ये करने के बाद आपने क्या करना है, cos को उधर ले जाना है, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स -1/2, आप कुछ भी नहीं करना, अपने कैलकुलेटर में जाना है, खैर मुझे तो याद है, अगर आप कैलकुलेटर में जाओगे cos नेगेटिव कहां पे होता है, cos नेगेटिव होता है सेकंड और उसमें, तो -1/2 आपको मिल रहा होगा 120 डिग्री पे, 2π/3, ये आप कैलकुलेटर सॉल्व करोगे, मैं खुद ही सॉल्व कर रहा हूँ, मैं भी जल्दी में कैलकुलेटर ले लेता हूँ, कैलकुलेटर चलो फिलहाल तो अभी जरूरत नहीं है, तो कैलकुलेटर आपको आंसर दे रहा होगा cos इनवर्स -1/2 करोगे तो कैलकुलेटर आपको आंसर दे रहा होगा यहाँ पे 2π/3, ये पहला एंगल आपको मिला है। दूसरा एंगल मैंने कहा था कैसे निकालोगे, 2π में से माइनस कर दो, ये पहला एंगल आपको कैलकुलेटर ने दिया, पॉजिटिव है ना, तो दैट्स इट, cos के केस में कभी नेगेटिव नहीं आएगा वैसे, तो ये पहला एंगल आपको मिल गया। दूसरा एंगल कैसे निकालोगे, 2π माइनस पहला वाला एंगल,
तो इसको एज इट इज कॉपी करो और इसको सॉल्व करो, 3 को से करो 6 पाई माइनस 2 पाई, ये हो जाएगा 4 पाई अपॉन 3। ये लो बच्चों, इस तरीके से आप सॉल्व करो। दो एंगल आ गए, अब वक्त है जनरल सॉल्यूशन लिखने का। लेकिन जनरल सॉल्यूशन लिखने से पहले एक स्टेप है जो हम यहाँ पे करेंगे। ये स्टेप ऐसे हर सवाल में जरूरी होता नहीं है, नॉर्मली कुछ इक्वेशंस आपकी ऐसी होती हैं जिनको सॉल्व करने के लिए आप स्क्वायरिंग कर रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग कर रहे हो, तो ऐसा करने से आमतौर पर जब किसी इक्वेशन में फॉर एग्जाम्पल रूट आ रहा है तब भी आप स्क्वायरिंग कर रहे होते हो, तो उससे होता यह है कि स्क्वायरिंग करने से कुछ ऐसे आंसर आ जाते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे होते, उनको हम कहते हैं एक्सट्रेनियस रूट। रूट का मतलब होता है जो वैल्यूज आती है, इन वैल्यूज को आप रूट्स कहते हो, जो जब इक्वेशन में पुट की जाए तो पूरी साइड किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर। तो एक्सट्रेनियस रूट्स ज्यादातर उसी वक्त आते हैं, ये वो रूट्स होते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते, ठीक है। और ये नॉर्मली आते हैं उस वक्त है जब आप स्क्वायरिंग कर रहे होते हो या कुछ आपने काफी मैथ की है उसके बाद सॉल्यूशन, जैसे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन आ गया ना, इसमें नहीं आएंगे आपके पास। लेकिन ऐसे सवाल होंगे जिसमें लंबी कर्व वर के आप किसी तरह सॉल्व करोगे, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि ऐसे वैल्यूज आए, ऐसे एंगल्स आए जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई ना कर रहे हो, तो दैट्स व्हाई तभी प्रैक्टिस अच्छी है कि हर सवाल में वेरिफिकेशन करना, पेपर में भी जो सवाल है, ठीक है। वेरिफिकेशन करने का तरीका क्या होगा, जो भी वैल्यूज आएंगी उसको आपने इक्वेशन में पुट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल इसको आपने अगर नाम दे दिया 1 का, सबसे पहले आप पुट कर दो 2 पाई अपॉन 3, ये आपका पहला एंगल था आपने पुट कर दिया। पुट करो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, एक्स की जगह पे आपने पुट किया 2 पाई अपॉन 3, फिर है 1 अपॉन 2, कॉस 2 पाई अपॉन 3 कैलकुलेटर से निकाले ना, -1 अपॉन 2 आएगा 0, तो ये पूरी चीज 0 इज इक्वल टू 0, वेरीफाई हो गया, लेफ्ट और राइट बराबर हो गए। फिर आप क्या करोगे, एक्स की जगह पुट करोगे 4 पाई बाय 3, अगेन पहली इक्वेशन में पुट करो 4 पाई अपॉन 3, ठीक है। इसमें भी आप ऑब्जर्व करोगे कॉस 4 पाई अपॉन 3 भी क्या होता है, -1 अपॉन 2 होता है, ठीक है। तो -1 अपॉन 2 +1 अपॉन 2 0 इज इक्वल टू 0, वेरीफाई हो गया, दैट्स इट। अब वक्त है जनरल सॉल्यूशन लिखने का। तो हेंस सॉल्यूशन सेट इज, सॉल्यूशन सेट क्या होगा, कॉस के केस में और साइन के केस में आप क्या करते हो, पहला एंगल +2n π यूनियन, दूसरा एंगल +2n π, दैट्स इट। इस तरीके से आप सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा इजी क्वेश्चन है बच्चों, टेंजेंट एक्स +1 अपॉन √3 है, आप उधर ले जाओगे तो -1 अपॉन √3 हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स -1 अपॉन √3 निकालना, कैलकुलेटर -30 आंसर दे देगा, क्योंकि एंगल नेगेटिव आ रहा है ना, -30 आ रहा है, तो इस -30 को आप पॉजिटिव कर दोगे मतलब 180 इसके अंदर ऐड कर दोगे, तो आंसर आपके पास 150 आ जाएगा। तो जो 150 है जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, उसके अंदर एन पाई ऐड करोगे। ये चीज अभी बाकी भी टेंजेंट की इक्वेशन आएंगी, ऐसा नहीं कि टेंजेंट का मैं सॉल्व नहीं करवा रहा, बाद में भी आएंगी, तो इसलिए छोटे से सवालों करने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक और चीज, आपने सारी कैलकुलेशन रेडियन के अंदर करनी है, आसानी के लिए मैं डिग्री में बता देता हूँ आप लोगों को, लेकिन करनी सारी आपने रेडियन के अंदर है, ठीक है। अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना नहीं आता तो जब आप ये इनवर्स निकालते हो ना तो अपने कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट कर दो। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि बच्चे एक दफा रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर अगर वो कोई और चैप्टर सॉल्व कर रहे होते हैं उसमें एंगल डिग्री के अंदर पुट करते हैं, वो रेडियन से डिग्री में करना भूल जाते हैं और आंसर गलत लिख कर आ देंगे पेपर में, क्योंकि ज्यादातर सवाल में डिग्री आ रही होती है। तो दैट्स मैं रिकमेंड करूंगा कैलकुलेटर को कन्वर्ट ना करो रेडियन के अंदर, अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर लो, कि इसका आंसर जब कैलकुलेटर देगा आपको 120 डिग्री, तो आपको पता होना चाहिए 120 रेडियन में कितना होता है, या दूसरा लेके आप कैलकुलेटर को रेडियन में कर लो फिर सॉल्व कर लो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कोसेक 3x/2 +2 = 0। अब देखो कोसेक आ रहा है, क्या करें इसके अंदर, सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो आप इसको उधर ले जाओ वैल्यू को, ये उधर जाके हो जाएगी -2। अब कोसेक को डील करना हमें नहीं आता, हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे साइन के फॉर्म में। अब ये चीज अगर आप लोगों को समझ आ गई तो सही है, नहीं समझ आई तो बता देता हूँ। देखो आपको पता है कोसेक किसके बराबर होता है, 1/sin के बराबर होता है, इसकी एक कॉन्सेप्ट ये है, किस स्टेप में आप लिखते हैं 1/sin 3x/2, इक्वेशन के दोनों तरफ आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, दोनों तरफ ऐड करवा दो, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करवा दो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दो, दोनों तरफ आप करवा सकते हो जो करवाना चाहे।
तो इस स्टेप के बाद मतलब कोसेक की जगह वन अपॉन साइन लिखोगे, उसके बाद क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड को भी रेसिप्रोकल कर दो, राइट हैंड साइड को भी रेसिप्रोकल कर दो। तो ये वन अपॉन साइन था, ये हो जाएगा साइन अपॉन वन, जो सिंपल साइन के बराबर होगा, और ये -2 था तो अब क्या हो जाएगा, वन अपॉन -2। तो मैंने क्या किया, मैंने रेसिप्रोकल कर दिया लेफ्ट और राइट साइड को, तो ये सॉल्यूशन आ गया सर। तो ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको इस तरह याद रख लो कि कोसेक है ना, कोसेक की जगह साइन लिख दो, लेकिन जो आपकी राइट हैंड साइड होगी उसमें रेसिप्रोकल कर देना, सिंपल लैंग्वेज में। तो कोसेक की जगह साइन लिखा और राइट हैंड साइड में -2 था, मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। तो डायरेक्ट करना चाहो इस तरह करके, वरना एक स्टेप कर सकते हो, आपकी मर्जी। ये करने के बाद सिंपल बच्चों साइन को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा साइन इनवर्स। अच्छा, ये जो उधर लेने वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये भी जुगाड़ है। असल कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है कि दोनों तरफ आप साइन इनवर्स अप्लाई कर दो, यहाँ पे भी साइन इनवर्स, यहाँ पे भी साइन इनवर्स। तो यहाँ पे साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे, 3x/2 आ जाएगा, और यहाँ पे साइन इनवर्स आ जाएगा। करेक्ट तरीका ये होता है इसका, जुगाड़ के तौर पर बोले तो उधर चला गया, तो बस सही है। अच्छा, इस पूरी चीज को आपने कैलकुलेटर से निकालना है, साइन इनवर्स -1/2। कैलकुलेटर आपको यहाँ पे आंसर देगा -5/6। अब ये एक एंगल निकाल है, दूसरा एंगल साइन के केस में कैसे निकालते हो, मैंने क्या बताया था, पाई में से माइनस करते हो। तो पाई माइनस पहला वाला एंगल, दोबारा बताता हूँ, ये एंगल आपको दे रहा है कैलकुलेटर, और ये वो एंगल है जो आप खुद निकालोगे। कैसे, दूसरा एंगल साइन के केस में कैसे निकालते हो, पाई में से माइनस करते हो, जो पहला एंगल था। ठीक है, तो इसको तो आप सॉल्व करोगे, माइनस माइनस पॉजिटिव, 6π + π, ये तो हो जाएगा 7π/6। इसको तो आपने छेड़ना नहीं है। अभी पहला वाला एंगल नेगेटिव है, हमारी कोशिश होती है कि इसको पॉजिटिव कर दें। ठीक है, तो इस पहले वाले एंगल को पॉजिटिव कैसे करोगे, मैंने बताया था साइन के केस में 2π ऐड करते हो पॉजिटिव करने के। तो -π/6 के अंदर अगर आप 2π ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 11π/6। कैसे, कि -π/6 + 2π, 6 को 2 से करो 12, 12π - π, ये हो जाएगा 11π। तो 11π/6, पहला वाला एंगल आपने पॉजिटिव कर दिया उसको, तो ये आपके दोनों एंगल आ गए। ठीक है, अब नॉर्मली आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालते हो, यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो 3x/2 की आ रही है, हमने किसकी निकालनी होती है, हमने एक्स की निकालनी होती है। तो एक्स की वैल्यू निकालते हैं, आप क्या करो, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ये 3/2 है ना, तो ये 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 जाके डिवाइड हो जाएगा, सिंपल लैंग्वेज में। तो आप 2/3, पहले वाले एंगल को भी 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे वाले एंगल को भी 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, पहले वाले एंगल को 2/3 से मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा 11π/9। इसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर लेना यार, बच्चों वाली चीज है। इसी तरह इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा 7π/9। तो यहां से आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएंगे। ठीक है, अब अगेन वेरीफाई करके देख लो, वेरिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपने स्टेप परफॉर्म करना है वेरिफिकेशन। अब ये काम आप लोगों का है, आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। अच्छा, कैलकुलेटर से अगर वेरीफाई करना चाह रहे हो तो यहाँ पे एक्स पुट करने से बेहतर डायरेक्ट 3x/2 की वैल्यू पुट कर दो। 3x/2 की एक वैल्यू 11π/6 थी, यहाँ पे 11π/6 पुट कर दो, फिर दूसरी दफा 7π/6 पुट कर देना आसानी के तौर पर। आंसर तो हमने एक्स का निकाला, लेकिन कैलकुलेटर में पुट करने के लिए पूरी 3x/2 की वैल्यू पुट कर देना। कोसेक है, कोसेक की वैल्यू कैलकुलेटर से कैसे निकालोगे, 1/sin करके। तो इफ सेटिस्फाई, अब देखो ये मैं आप लोगों को छोड़ो, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, इफ सेटिस्फाई तो फिर सॉल्यूशन सेट क्या होगा, यहाँ पे ये काम देख लेना, दोनों को पुट करके सेटिस्फाई कर रहा होगा तो फिर आपने ये सॉल्यूशन सेट करना है, और जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा उसको यहाँ से हटा देना, मुझे नहीं पता क्या सेटिस्फाई कर रहा है क्या नहीं करना। अच्छा, तो अब सॉल्यूशन सेट इसका कैसे लिखोगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, आपके पास एक एंगल आया 11π/9, तो सॉल्यूशन सेट में आप कैसे लिखोगे, 11π/9, और इसके अंदर आपको कुछ ऐड करना है, वो मैं बताता हूँ क्या ऐड करना है। यूनियन दूसरा वाला एंगल क्या है, 7π/9, और इसके अंदर भी आपने कुछ ऐड करना है। नॉर्मली साइन है ना, साइन इनवर्स के केस में आप क्या ऐड करते हो, 2nπ ऐड करते हो, मतलब कॉस में भी साइन में भी आप क्या ऐड करते हो, 2nπ ऐड करते हो। लेकिन देखो यहाँ पे हुआ क्या है, अब इस पॉइंट को जरा गौर से समझ में बताने लगा हूँ, ये ट्रिकी पॉइंट है, बाकी तो आपकी एक्सरसाइज स्मूथ चलती जाएगी, ये थोड़ा एक अलग चीज है जो आप अभी पढ़ने लगे हो, कल भी बताया था, दोबारा देख लो। उस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करने लगे थे ना तो ये सिचुएशन आई थी। ठीक है, फिर मैंने कहा था यार आपको 3x/2 की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा साइन इनवर्स -1/2। तो
तो जाके देखना, वहां पे दो एंगल आपके आए थे, एक था 7/6 और एक था 11/6। ये आपके पास कल मैंने आप लोगों को करवाया था। देखो जब भी साइन इनवर्स करके जो आपके पास आंसर आता था ना, वो आंसर आने के बाद आप जनरल सॉल्यूशन लिखा करते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास सिंपल इक्वेशन है साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, आप क्या करते थे, आप लिखते थे साइन इनवर्स -1/2, सॉरी 1/2, आंसर आएगा 5/6। और दूसरा एंगल मैंने कल सिखाया था कैसे निकालते हैं, 5 में से माइनस करके जो बताया था आप लोगों को। फिर दो एंगल आ देंगे, जब भी आपके पास एंगल आते थे आप इसका जनरल सॉल्यूशन लिखते थे। कैसे, जो पहला वाला एंगल आया उसके अंदर आप 2n पाई ऐड करोगे, दूसरा वाला एंगल आया उसके अंदर आप 2n पाई ऐड करोगे। सेम यही कॉन्सेप्ट है, साइन इनवर्स के बाद जो आपके पास आंसर आता है ना, आप उसके बाद जनरल सॉल्यूशन लिखते हो। तो अगर इस स्टेज पे आप जनरल सॉल्यूशन लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, 7/6 +2n पाई, इसी तरीके से 11/6 +2n पाई। आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना था, सॉल्व करने का मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी थी आपको, आपको 3x/2 की नहीं निकालनी थी। तो कोई एतराज कर सकता है इस स्टेज पे जाके, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसके बाद एक्स की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि जो आपके पास साइन इनवर्स के बाद आंसर आता था आप उसके अंदर 2n पाई ऐड करते थे। क्यों, क्योंकि ये पीरियड होता था ना, अगर आपको याद हो इस सिंपल साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। तो जो आपके पास एंगल आते थे आप उसके अंदर 2 पाई ऐड करते थे। ये एन तो आप अपनी तरफ से लगा देते ना, एन की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 2, असल तो पीरियड 2 पाई हुआ करता था। तो जो फंक्शन था आप उसके अंदर पीरियड ऐड करते थे, तब आपके पास जनरल सॉल्यूशन आता था। तो अब यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, जो बुक वालों ने भी की है, वो यहाँ पे निकालेंगे सबसे पहले एक्स की वैल्यू। कैसे, वो यहाँ पे लिखेंगे 3/2 है ना, 2 जाके मल्टीप्लाई करवा दो, 3 जाके डिवाइड करवा दो। तो सिंप्लीफाई करना, कल मैंने बताया था जब 2/3 को मल्टीप्लाई करोगे पहले एंगल से तो ये हो जाएगा 7/9, दूसरे वाले एंगल को 2/3 से मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा 11/9। ये एक्स की वैल्यूज आएंगे, और नॉर्मली आप एक्स की वैल्यू निकालते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी आप इक्वेशन सॉल्व करते थे तो एक्स निकालते थे, या आपने एक्स निकाल लिया। इसके बाद खराबी आती है, बुक ने इसका सॉल्यूशन पता है क्या लिखा हुआ है, 7/9 +2n पाई 11/9 +2n, ये लिखा हुआ जो कि गलत है। अब क्यों गलत है, आपने ये जो एक्स की वैल्यू निकाली है ये किस फंक्शन की निकाली थी, ये कहां से निकाला है आपने, ये वाला फंक्शन था, इसी से आपने साइन इनवर्स किया था। क्या इस फंक्शन का पीरियड 2 पाई है, इस फंक्शन का पीरियड 2 पाई तो नहीं है। अगर आप इसका पीरियड निकालो उसका पीरियड क्या आएगा, मैंने पीरियड निकालने का तरीका बताया था कि आप क्या करते थे, साइन का पीरियड 2 पाई होता है। उसके बाद मैंने बोला था कि जो चीज एक्स से मल्टीप्लाई हो रही है, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 3/2 हो रहा है ना, तो आप 2 पाई को डिवाइड कर दो उससे, तो उसका पीरियड आ रहा है 4/3। तो आप तो फंक्शन का पीरियड ऐड करते हो, तो मैंने एक्स की वैल्यू तो निकाल ली यहाँ पे, लेकिन मुझे ऐड करना है इसके बाद पीरियड फंक्शन का, और फंक्शन का पीरियड यहाँ पे 2n पाई है, फंक्शन का पीरियड 4/3 है। ये मिस्टेक कर दी है बुक ने, तो उन्होंने निकाली एक्स की वैल्यू लेकिन जो पीरियड है उन्होंने वही ऐड किया, जैसे वो ट्रीट कर रहे हैं कि आपके पास इक्वेशन ये वाली है, इस तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो वो एक्स की वैल्यू निकालने के बाद इसके अंदर 2n पाई ऐड कर रहे हैं, जो सिर्फ साइन का पीरियड होता है, लेकिन यहाँ पे साइन नहीं था, यहाँ पे 3x/2 था। तो ये गलत तरीके, इसका नुकसान क्या होगा, इसका नुकसान ये होगा कि आंसर गलत आएंगे आपके। अगर मजीद आपको चेक करना है, अगर मेरी बात पे यकीन ना आए तो अगर आंसर निकाल के देख लो, मैं अगर एन की जगह यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो ये 2 पाई हो जाएगा ना, तो 7/9 +2 पाई, 9 को 2 से करो 18, 18 +7 25/9। जरा इक्वेशन में पुट करके देख लेना, अगर सेटिस्फाई कर जाए तो मुझे बता देना, नहीं सेटिस्फाई कर, यहाँ पे एन की वैल्यू 1 पुट करो, जो आंसर आ रहा होगा आई गेस 29/9 आ रहा होगा, नहीं सेटिस्फाई कर रहा, पुट करके देख लेना। तो चीज ही गलत है, लिख ही नहीं सकते आप, क्योंकि आपने जो पीरियड है वो 2n पाई, तो पीरियड ही नहीं इस फंक्शन का 4n पाई 4π/3 पीरियड है। तो दैट्स लाइक करेक्ट तरीका क्या होगा, जब आप इन वाले सवालों में जब x के साथ कोई चीज लिखी भी है तो कोई इशू नहीं है, आप इसी तरीके से निकालो, आपने x की वैल्यू निकाल ली। जैसे आपके पास x की वैल्यू आएगी, अब जनरल सॉल्यूशन लिखने का तरीका क्या होगा, क्या आप लिखोगे 7π/9, और जिस तरीके से आपने x की वैल्यू निकाली है ना उसी तरीके से आप जनरल सॉल्यूशन में पीरियड भी निकाल रहे होंगे। जैसे आपने इन वैल्यूज को 2/3 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो पीरियड को भी 2π/3 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 2/3 से, तो नॉर्मली पीरियड होता है 2n पाई, यही आप ऐड कर दो ना जनरल सॉल्यूशन में। लेकिन अब आपने एंगल को भी 2/3 से मल्टीप्लाई किया, तो उसको भी 2/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4n π/3। तो करेक्ट तरीका क्या होगा, यहाँ पे आप लिखोगे 4n π/3, ये जो लिखोगे सेम यहाँ पे भी आप ये कम करोगे। अब आप वैल्यूज पुट करके देख लेना, एन की वैल्यू जब आप यहाँ पे 1 पुट करोगे, देखना जो भी एंगल आ रहा होगा वो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। जब आप एक्स की जगह पुट करोगे
सेटिस्फाई कर रहा हूँ, इसी तरह देखना सेटिस्फाई कर रहा हूँ। तो करेक्ट तरीका क्या है कि अगर आपने अदर देन एक्स लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे 3x/2 लिखा हुआ था ना, तो निकाली आपने बेशक एक्स की वैल्यू है, लेकिन जब आप जनरल सॉल्यूशन लिखो तो जो भी एंगल आए हैं उसके अंदर जो आप ऐड करोगे वो इस फंक्शन का पीरियड ऐड करोगे, और इस फंक्शन का पीरियड इस तरह भी निकाल सकते हो। यहाँ पे सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है कि आपने 2/3 से मल्टीप्लाई किया था, तो आप सिंपल 2n पाई को भी 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 4n पाई/3, और इस तरीके से आप जनरल सॉल्यूशन लिखोगे। तो कितने केसेस में अगर आप बुक वाली हरकत करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा, जैसे सवाल में आपका आंसर गलत आता है, और कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें आपका आंसर गलत नहीं आएगा लेकिन आप सॉल्यूशन को मिस कर जाओगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इस किस्म की इक्वेशन हो, sin 2x = 1/2, तो जब इसको सॉल्व करने लगोगे ये सिचुएशन आएगी, 2x की ये दो वैल्यूज आ रही होंगी, जब x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू आएगी π/12, अगर आप 2 डिवाइड करोगे। तो अब अगर आप इसका जनरल सॉल्यूशन इस तरह लिखोगे π/12 + 2n π, इसी तरीके से 5π/12 + 2n π, तो इस वाले केस में आपके पास आंसर गलत नहीं आ रहा होगा, आप n की जगह 1 पुट करना, जो भी एंगल आ रहा होगा उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, लेकिन इस वाले केस में आप आंसर मिस कर रहे होंगे, सॉल्यूशन आपके मिस हो रहे होंगे, क्योंकि करेक्ट तरीका क्या था कि यहाँ पे आप क्या लिखते, आपने 2 से डिवाइड किया ना, तो इस वाली चीज को भी 2 से डिवाइड करो, जब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये n पाई हो जाएगा, यहाँ पे भी n पाई, तो ये जो असल सॉल्यूशन है ये आपको पूरे सॉल्यूशन दे रहा होगा, लेकिन अगर आप 2n पाई करोगे तो अब आपको सॉल्यूशन कुछ मिस होते जाएंगे दरमियान से, तो इसमें आपको आंसर गलत नहीं मिलेगा लेकिन सॉल्यूशन पूरे नहीं मिलेंगे, जबकि इसमें तो आपको सॉल्यूशन ही गलत मिल रहे होंगे अगर आप 2n पाई ऐड करोगे। तो करेक्ट तरीका क्या है, जो आप एंगल के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो वही काम आपने 2n पाई के साथ भी करना है, और उसके बाद आपने जनरल सॉल्यूशन। शुरू के 3 क्वेश्चन हो गए, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। ये क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 बड़े इजी थे, छोटे छोटे क्वेश्चन है, अब मैं इनकी शुरू की बातें आपको बता देता हूँ, बाद में आप लोग कर लोगे। तो भाई सिंपल सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, आप इसको लिखोगे sec²θ = 4/3, फिर आप क्या करोगे दोनों तरफ रूट ले लोगे, तो ये हो जाएगा sec थीटा, जब आप रूट लोते हो तो प्लस माइनस आता है, 4 का √2 और 3 का √ जो है वो √3 होता है। sec को कन्वर्ट कर दो cos में, मैं sec थीटा की जगह लिख देता हूँ cos थीटा, अभी मैंने बताया था राइट हैंड साइड को क्या करोगे रेसिप्रोकल, क्योंकि आपने sec की जगह cos लिख दिया तो राइट हैंड साइड आपकी क्या हो जाएगी रेसिप्रोकल हो जाएगी। फिर आपको थीटा निकालना है, थीटा क्या हो जाएगा, अब इन दोनों को ना अलग अलग ट्रीट करना इस तरीके से कि सबसे पहले cos इनवर्स पॉजिटिव √3/2, एक ये वाला केस बनेगा, और दूसरा केस कैसे बनेगा cos इनवर्स -√3/2, मतलब एक दफा पॉजिटिव के लिए आप सॉल्व करोगे एक, क्योंकि दो अलग अलग इक्वेशन है ना, एक इक्वेशन है cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 और एक इक्वेशन है cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2, तो दोनों को अलग अलग मैं सॉल्व करूंगा। सॉल्व कैसे होंगी ये सारी चीज आप कैलकुलेटर से निकाल लेना, कैलकुलेटर आंसर दे देगा π/6। cos के केस में दूसरा एंगल कैसे निकालते हो, 2π में से माइनस करते हो, इसको तो आपने सॉल्व कर लिया, अब जरा इस पे आ जाओ, इसको कैलकुलेटर सॉल्व करना, कैलकुलेटर आंसर दे देगा 5π/6 आई गेस, चेक कर लेना यार, हाँ 5π/6 ये, और इसको 2π में से माइनस कर दो, ये हो जाएगा π/6, अच्छा इसको सॉल्व करो ये हो जाएगा 6/12, 11π/6, दो आंसर आपको यहां से मिल जाएंगे इसी तरीके से, ये है 5π/6 और ये क्या हो जाएगा 12π - 5, 7π/6, दो आंसर आपको यहां से मिल जाएंगे। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के आपको यहां पे 4 आंसर मिले, अब यहां पे हो सकता है कि शायद कोई ऐसी वैल्यू हो जो इसको सेटिस्फाई ना कर रही हो, अब ये आप लोगों का काम है चेक करना, मैं सिंपल ये हेडिंग डाल देता हूं वेरिफिकेशन, ठीक है, और इफ सेटिस्फाई, अगर ये चारों वैल्यू सेटिस्फाई करनी है, पुट करने का तरीका क्या है, आप ये इक्वेशन है ना कैलकुलेटर में कैसे पुट करोगे, कैलकुलेटर में sec स्क्वायर है ना, कैलकुलेटर में पुट करना 1/cos² कैलकुलेटर में आप cos लिखोगे ना तो ये चीज आ जाएगी, मतलब cos और उसके साथ ब्रैकेट आ जाएगी, सबसे पहले आप पुट करना यहाँ पे लेट से π/6, तो आप पुट करना π/6, कैलकुलेटर रेडियन के अंदर होना चाहिए, 130 पुट कर देना, ब्रैकेट क्लोज करना और यहाँ पे स्क्वायर का बटन दबा देना, इस तरीके से आप sec स्क्वायर को लिखोगे कैलकुलेटर के अंदर, ये है 1/cos². ये पूरी चीज जो है ये किसके बराबर होनी चाहिए, 4/3 के बराबर होनी चाहिए, मतलब ये इसमें भी पुट कर सकते हो कोई इशू नहीं है, इस पूरी चीज को पुट करो और इसके बाद इसके साथ -4/3 कर दो, अब इसका आंसर 0 के बराबर आना चाहिए, जो ओरिजिनल इक्वेशन थी ना,
आपने इसके अंदर sec स्क्वायर की जगह लिखा 1 अपॉन cos स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3। ये पूरी चीज जीरो के बराबर आनी चाहिए। अगर जीरो के बराबर आ रही है इसका मतलब इसको आप सॉल्यूशन में लिखोगे, अगर नहीं आ रही इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसको हटा दो। फिर दोबारा जब एंगल पुट करोगे ना तो दोबारा चीजें लिखना। ये पूरा फॉर्मेट आपने बना लिया ना कैलकुलेटर में, आप क्या करना नेक्स्ट टाइम इस चीज को बस एडिट करना, कैलकुलेटर में जाके डायरेक्ट करना और इसकी जगह पुट कर देना 11π/6। अगेन कैलकुलेटर रेडियन के अंदर होना चाहिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, या तो डिग्री में कन्वर्ट कर दो 330 डिग्री लिख दो इसकी जगह, वरना कैलकुलेटर रेडियन के अंदर होना चाहिए। फिर पुट करके देखो अगर आंसर जीरो आ रहे हैं इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरीके से बार बार आप चेक करोगे और देखोगे जो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही उसको सॉल्यूशन सेट में आपने नहीं लिखना। ठीक है, तो ये आप लोगों का काम है करना। अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ चारों सेटिस्फाई कर रही है तो सॉल्यूशन सेट यहाँ पे क्या होगा, सिंपल वही कि पाई बाय सिक्स के अंदर आप ऐड करोगे 2n पाई यूनियन 11π/6 के अंदर आप ऐड करोगे 2n पाई, फिर यूनियन 5π/6 के अंदर ऐड करोगे 2n पाई, और आखिरी कैसे आएगा 7π/6 प्लस 2n पाई। कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर बेसिक बेसिक बातें सीख जाओ तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर। ठीक है, अच्छा जी, फिर एक क्वेश्चन लिखी हुई क्वेश्चन नंबर 5। 5 में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 4 इज इक्वल टू 1। ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, आप इसको लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/4, दोनों तरफ रूट लोगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/2। एक इक्वेशन है साइन इनवर्स 1/2 और एक इक्वेशन है साइन इनवर्स -1/2। अगेन वही बात है यार, साइन इनवर्स -1/2 कैलकुलेटर से निकालना पाई में 6 आएगा, दूसरा एंगल हो जाएगा पाई में से माइनस कर दो। इसी तरह साइन इनवर्स -1/2 लिखोगे तो कैलकुलेटर आंसर देगा -5/6, दूसरा एंगल कैसे निकालोगे पाई में से माइनस कर दोगे। तो दूसरा एंगल तो आपके पास पॉजिटिव ही आ रहा होगा, पहले वाले एंगल को पॉजिटिव कैसे करोगे, इसके अंदर 2 पाई ऐड कर देना पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपके पास 4 एंगल आ रहे होंगे, अगेन वही काम आप वेरीफाई करोगे, अगर वेरीफाई कर रहे हैं तो बिल्कुल इसी अंदाज में आप यहाँ पे सॉल्यूशन सेट लिख दो। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है 2 cos x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। बहुत ईजी है सॉल्व करना, कैसे साइन स्क्वायर आप लोगों को पता है 1 - cos² होता है, साइन स्क्वायर की जगह लिख दो 1 - cos² x, ये वाले 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -cos² x प्लस 2 cos x, या आप तरतीब से लिख दो कि ये है 2 cos x और यहाँ पे है -cos² x और यहाँ पे तो 0 है क्योंकि 1 कैंसिल हो गया था। अब क्या करोगे, दोनों टर्म में से cos कॉमन ले लो, यहां से आएगा 2 और यहां से आ जाएगा cos x, दो चीजों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने सीखा था जब दो चीजों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, या तो एक 0 है या दूसरा 0 है, तो आप दोनों को 0 के बराबर रख के देखते हो। तो आप यहाँ पे आइदर या तो cos x 0 है और 2 - cos x 0 है, इनमें से कोई एक 0 है जो इस प्रोडक्ट को क्या कर रहा है 0 के बराबर कर रहा है। तो आप वैल्यूज मालूम करो, कैसी कौन सी वैल्यूज है जिसपे दोनों चीजें जो है ये को मतलब इनका प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा है। तो पहली इक्वेशन ये है, इसको सॉल्व करने का तरीका है कि आप लिखोगे cos इनवर्स 0। अच्छा, और ये इक्वेशन क्या है, cos x माइनस को ले जाना पॉजिटिव हो जाएगा, cos x इज इक्वल टू, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था भाई cos और sin के केस में आंसर 1 से ग्रेटर आ ही नहीं सकता, तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसपे cos का आंसर 2 आ रहा हो, तो इस इक्वेशन का तो मतलब ही नहीं बनता, मतलब ये पूरी चीज 0 के बराबर हो ही नहीं सकती, ऐसा पॉसिबल है नहीं। ये वाली हो सकती है cos इनवर्स 0, आप कैलकुलेटर में निकालना, कैलकुलेटर आपको आंसर दे रहा होगा पाई बाय 2। दूसरा एंगल कैसे निकालते हो cos के सीन में, 2 पाई में से माइनस करते हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4π - π मतलब 3π, तो ये दो एंगल आ जाएंगे। अब वही काम करना है, वेरिफिकेशन करना, इन दो एंगल को पुट कर देना सवाल के अंदर, पूरी लेफ्ट हैंड साइड 1 के बराबर होनी चाहिए, अगर 1 के बराबर है इसका मतलब ये सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन सेट आप ऐसे ही लिखोगे, पहला एंगल प्लस 2n π, दूसरा एंगल प्लस 2n π। अगेन बच्चों cos स्क्वायर आ रहे ना, तो cos स्क्वायर के दो फॉर्मूले हैं, cos स्क्वायर की जगह 1 - sin² लिख दो तो भी आपके पास बनेगा, या 2 sin 1 - 2 sin² भी लिख सकते हो ना। हाँ
नहीं वो डबल एंगल था, कॉस स्क्वायर का एक ही फॉर्मूला है वो है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर के जब आप लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4 1 4, 4 को माइनस से करो तो ये हो जाएगा -4 sin² x -8 sin x +1। ठीक है, एक काम करो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि साइन स्क्वायर नेगेटिव है, हम इसको पॉजिटिव कर देते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है पूरी, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, ये वाली टर्म भी पॉजिटिव हो जाएगी, और 4 + 1 5 था, जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो -5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम मिड टर्म ब्रेक करो, 4 को -5 से करो ये है -20, -20 के फैक्टर बनाओ आप 10 2 जा, आप इस तरह लिख सकते हो +10 sin x -2 sin x, 10 - 2 8 sin x होगा और 10 और -2 sin को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास -20 sin² x आएगा, आप इन दो में से 2 sin x कॉमन ले लो तो बचेगा 2 sin x और यहां पे बचेगा 5, इसमें से आप माइनस कॉमन ले लो 2 sin x +5, माइनस मतलब -1 कॉमन ले लिया 2 sin x +5, इसी तरीके से कॉमन आगे दोनों में से यहां से बचेगा 2 sin x, यहां से बचेगा -1 इज इक्वल टू 0, दोनों को इक्वल टू 0 रखोगे भाई 2 sin x +5 इज इक्वल टू 0 जो कि पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। अगेन वही वजह है, आप वैल्यू निकाल दो, यहां पे साइन एक्स की वैल्यू आ रही होगी -5/2, -5/2 होता है -2.5, तो साइन के केस में ज्यादा ज्यादा -1 आ जाएगी कम से कम, -2.5 वैसे भी नहीं आ सकती, तो ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है, तो दूसरी इक्वेशन क्या है 2 sin x -1 = 2, यहां से आ जाएगा sin x = 1/2 और ये बहुत ही इजी इक्वेशन है, बहुत दफा सॉल्व करवाई है, साइन इनवर्स 1/2 π/6 होता है, दूसरा एंगल कैसे निकालोगे पाई से माइनस करोगे, तो दो एंगल यहां से मिल रहे होंगे पुट करना इक्वेशन में, अगर वो सेटिस्फाई हो रहे हैं तो इन दोनों को सॉल्यूशन सेट में लिख देना 2 n π n के अंदर एंटर। 9 को फिलहाल हम छोड़ते हैं, हम कोशिश करते हैं साइन कॉस के मामले को पहले हल करने, फिर बाद में देख लेंगे टेंजेंट के मामले को भी। अच्छा 10 में क्या लिखा हुआ है, 10 पे आ जाओ, 10 में लिखा हुआ है cosec x +2 और 2 cos x -1, तो डायरेक्ट इनका प्रोडक्ट जीरो के बराबर आ रहा है, दोनों को जीरो के बराबर रखो, cosec x +2 को भी जीरो के बराबर रखो, 2 cos x -1 को भी जीरो के बराबर रखो, यहां से आ रहा है cosec x -2, यहां से आ रहा है cosec x = 1/2, कोसाइन को कन्वर्ट कर दो साइन की फॉर्म में तो राइट हैंड साइड को रेसिप्रोकल कर दो, और कॉस का सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2, ये क्या होगा साइन इनवर्स -1/2, इसको कैलकुलेटर सॉल्व करोगे कॉस इनवर्स 1/2 आंसर आएगा π/3, दूसरा एंगल कॉस के अंदर कैसे निकालते हो 2π में से माइनस कर, इसको कैलकुलेटर से निकालना आंसर आएगा -π/3 सॉरी -π/6, दूसरा एंगल कैसे निकालते हो पाई माइनस पहला वाला एंगल, कोई नई चीज नहीं पढ़ी आपने अभी तक, ये तो अपनी जगह पे आ गया, ये हो जाएगा 6π - π 5π/3, यहाँ के तो दोनों एंगल आपके पास आ गए, फाइनल आंसर होंगे, ये फाइनल है, सॉल्व करोगे तो 7π/6 आ जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप यहाँ पे 2π ऐड करोगे, तो जब आप -30 के अंदर 360 ऐड करोगे तो 330 मतलब 11π/6 आ रहा होगा, इसके अंदर 2π ऐड करके देख लेना 11π/6 आ रहा होगा, बस जो 4 एंगल आपके पास फिर आ गए, कोई नई चीज नहीं है, इन्हीं 4 एंगल को आपने पुट करना है इक्वेशन के अंदर, कोसाइन है तो कैलकुलेटर में पुट करना 1/sin, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे x की जगह, यहाँ पे x की जगह पुट कर देना 11π/6, 11π/6 होगा 330 डिग्री, पुट करो अगर इनका प्रोडक्ट जीरो के बराबर आ रहा है इसका मतलब आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, फिर आप पुट करना 7π/6, चारों एंगल पुट करना, अगर इसमें से कोई एक भी वेरीफाई नहीं हो रहा उसको आप निकाल दोगे, ये आप लोग चेक करके देख लेना, अगर चारों सेटिस्फाई कर रहे हैं तो चारों को जनरल सॉल्यूशन में कैसे लिखोगे 2 n π ऐड करोगे, क्योंकि ये साइन के सॉल्यूशन है ये कॉस के सॉल्यूशन है, तो साइन कॉस दोनों में आप 2 n π ऐड करते हो और आंसर आ जाएगा। अच्छा जी 11 भी देख लो, 11 भी थोड़ा इजी है, काफी इजी है 11 तो, tangent theta is equal to 2 sin theta, बहुत इजी इक्वेशन है, tangent को कन्वर्ट कर दो sin upon cos में,
इससे इजी काम और क्या हो सकता है, टू साइन थीटा, तो और इजी हो गया, साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा वन अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पे बचेगा बस टू। दोनों तरफ इक्वेशन को रेसिप्रोकल कर दो। नहीं एक काम करो यार, कैंसिल नहीं करना, गलत मैंने काम किया, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, इसको नहीं करना इस तरह। मैं बताता हूँ क्यों मिस्टेक है। देखो होता है कि जब आप किसी वेरिएबल को कैंसिल करते हो ना, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक साइन फंक्शन है, कॉस फंक्शन है। अगर आप किसी को कैंसिल नहीं करना, याद रखो कैंसिल करोगे इसका मतलब वैल्यूज खा गए आप। ये वही बात है, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स, और आप एक्स को से कैंसिल करके बोलते हो एक्स की वैल्यू टू आ रही है, इसका मतलब एक वैल्यू आप खा गए हो। वेरिएबल को कैंसिल ना करो वरना वैल्यूज खा जाते हो आप, ठीक है। तो इस इक्वेशन को करेक्ट सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, कैंसिल करने के बजाय आप उसको इधर ले आना, एक्स कॉमन लेना। अब देखो एक एक्स का आंसर जीरो आ रहा है, एक एक्स का आंसर टू आ रहा है, पहले आपने कैंसिल कर दिया था, एक वैल्यू खत्म हो गई थी, तो कैंसिल नहीं करना आपने यहाँ पे, ये चीज है, ठीक है। तो फिर सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, आप इस कॉस को मल्टीप्लाई करवा दो आ जाके, ठीक है। उसके बाद इस साइन थीटा को इधर ले आना, नेगेटिव हो जाएगा। अब आप साइन कॉमन ले लो यहां से, अब बचेगा टू कॉस थीटा, यहां से कॉमन लोगे माइनस वन, इस तरीके से आपने सॉल्व करना, तो ये गलती नहीं करना पेपर में। अब आप अगेन दोनों के इक्वल टू जीरो रखो, साइन थीटा को हम जीरो के बराबर रखते हैं और टू कॉस थीटा माइनस वन को जीरो के बराबर रखते हैं, ये हो जाएगा साइन इनवर्स जीरो, ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन टू। एग्जैक्ट यही इक्वेशन है यार, कोई सॉल्व करने में मसला नहीं है, एग्जैक्ट यही तो आंसर आ रही है, कोई नई चीज नहीं है जो मैं इसको सॉल्व करूं। हाँ इसको सॉल्व कैसे करोगे, कैलकुलेटर में आपको आंसर मिल रहा होगा जीरो, जब आप साइन इनवर्स जीरो लिखोगे तो कैलकुलेटर आपको आंसर दे रहा होगा जीरो। दूसरा एंगल आप कैसे निकालते हो, पाई में से माइनस करते हो, तो पाई में से पहला एंगल माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक एंगल आ जाएगा जीरो, दूसरा एंगल आ जाएगा एन पाई, और इसके आंसर में देखना आपको एक आंसर मिल रहा होगा पाई बाय थ्री और एक मिल रहा होगा फाइव पाई बाय थ्री। चार आंसर आए, पुट करके देख लेना कौन सेटिस्फाई कर रहा है कौन नहीं कर रहा। सबसे पहले जीरो पुट करना यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा होगा, पाई पुट करना यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा होगा, इसी तरह बाकी एंगल पुट करके भी देख लेना, जो सेटिस्फाई कर रहा है वो सॉल्यूशन सेट में आएगा। तो इन दो को तो सॉल्यूशन सेट में लिखने में कोई मसला नहीं है, आप लिखोगे पाई बाय थ्री प्लस टू एन पाई, फाइव पाई बाय थ्री प्लस टू एन पाई, कोई इशू नहीं। इनको लिखने का तरीका क्या होगा, ये जरा इंपॉर्टेंट बात है, इसको देख लो। वैसे स्टूडेंट कैसे लिखेंगे, पहले एंगल के अंदर टू एन पाई एड करेंगे यूनियन, दूसरा एंगल है पाई प्लस टू एन पाई, इसके अंदर एड करेंगे, जीरो के अंदर एड करो, एक ही बात होती है। तो वैसे ज्यादातर बच्चे पेपर में इस तरह लिख कर आएंगे, टू एन पाई यूनियन पाई प्लस टू एन पाई, कोई गलत नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल ठीक है, मतलब कोई मिस्टेक नहीं है यहाँ पे, सही है। लेकिन इसका अच्छा तरीका हो सकता है, इन दोनों की जगह आप जस्ट एन पाई लिख दो, दैट्स इट, ये गलत नहीं माना जाएगा, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये लंबा तरीका है, ये शॉर्ट तरीका है एन पाई। तो बुक में शायद इसके आंसर में आपको एन पाई नजर आ रहा हो, मैंने देखा नहीं, शायद एन पाई हो सकता है। उसकी वजह ये है कि जो आपके पास आंसर आ गया जीरो पाई, ये सारे एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं, आपको पता है एक्स एक्सिस पे साइन जीरो होता है, मतलब जीरो पाई फिर टू पाई फिर थ्री पाई फिर फोर पाई फिर फाइव पाई, इस तरह आ रहे हैं। तो इस तरह मतलब इस तरह लिखने से बेहतर आप जस्ट एन पाई लिख दो, एन की वैल्यू जीरो पुट करोगे जीरो आंसर आ जाएगा, वन पुट करोगे पाई आ जाएगा, टू पुट करोगे टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई, हालांकि ये भी आपको ये आंसर दे रहे हैं, आप एन की जगह जीरो पुट करो ये आपको जीरो देगा, ये आपको पाई देगा, एन की वैल्यू वन पुट करो ये टू पाई देगा, ये थ्री पाई देगा। तो सॉल्यूशन यहां से भी वही आ रहे हैं, लेकिन लंबा वाला तरीका है, लेकिन लिखना चाहो इस तरह भी लिख सकते हो, यानी दोनों की जगह पे आप जस्ट लिख दो एन पाई, तो ये दोनों सॉल्यूशन एन पाई के अंदर कवर हो जाएंगे, और इसके लिखने का तरीका मैंने पहले बता दिया। लिखा हुआ फोर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो सिंपल साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेना, थ्री अपॉन फोर हो जाएगी, रूट लेना साइन एक्स अपॉन टू बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट थ्री अपॉन टू के। अब आपकी दो अलग इक्वेशन बनेंगी, एक इक्वेशन होगी एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट थ्री अपॉन टू, और एक होगी एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस रूट थ्री अपॉन टू। तो इन दो इक्वेशन को आपने अलग अलग सॉल्व करना, सॉल्व करना कोई मसला नहीं है, साइन इनवर्स रूट थ्री अपॉन टू कैलकुलेटर से निकालना पाई बाय थ्री आ रहा होगा, ठीक है। दूसरा एंगल कैसे निकालोगे, पाई में से माइनस कर देना, तो पाई में से पाई बाय थ्री माइनस करोगे तो टू पाई बाय थ्री आ जाएगा, तो पहला एंगल आपको मिलेगा यहाँ पे पाई बाय थ्री, दूसरा मिलेगा टू पाई बाय थ्री। अच्छा नीचे वाली इक्वेशन को सॉल्व करो, कैलकुलेटर आंसर देगा माइनस पाई बाय थ्री,
तो माइनस पाई बाय थ्री में से दूसरा एंगल कैसे निकालोगे, पाई में से माइनस कर देना, ठीक है, तो फोर पाई बाय थ्री आ जाएगा, तो दूसरा एंगल फोर पाई बाय थ्री आ रहा होगा। पहला वाला एंगल नेगेटिव होगा ना यहाँ पे, उसके अंदर टू पाई ऐड कर देना, तो टू पाई ऐड करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा पाई पाई बाय थ्री, ये चार एंगल आ जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात और अलग बात यहाँ पे क्या है, चारों आंसर आपको मिल रहे होंगे एक्स अपॉन टू के, जबकि आपको आंसर किसका निकालना होता है, एक्स का निकालना होता है। ठीक, तो आप क्या करोगे, इन चारों आंसर को टू से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब ये टू जो है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, एक्स अपॉन टू के आंसर में चार मिल रहे हैं ना आपको, तो आप चारों को मल्टीप्लाई कर दोगे टू से, तो ये हो जाएगा टू पाई बाय थ्री, ये हो जाएगा फोर पाई बाय थ्री, ये हो जाएगा टेन पाई बाय थ्री, ये हो जाएगा एट पाई बाय थ्री, तो ये चार एक्स की वैल्यूज आ जाएगी, बशर्त ये कि वेरीफाई कर लेना पहले, जब ये चार वैल्यूज आ जाए पुट कर लेना, अगर ये चारों सेटिस्फाई कर दिए ना फिर आप एक्स की इस तरह वैल्यू निकाल लेना, या चलो पहले एक्स वैल्यू निकाल लेना फिर वेरीफाई करवा के देख लेना, कोई इशू नहीं है। अगर सब वेरीफाई कर रहे हैं तो जनरल सॉल्यूशन लिखना, लेकिन जनरल सॉल्यूशन में वही काम करना है आपको जो मैंने पहले बताया था, कि आप इन सब एंगल को टू से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो अब आप टू एन पाई को भी टू से मल्टीप्लाई करोगे, अब आप इसके अंदर फोर एन पाई ऐड करोगे, क्योंकि आपने इनको टू से मल्टीप्लाई किया है ना, तो आपको फिर जनरल सॉल्यूशन में टू एन पाई को भी टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप लिखोगे मल्टीप्लाई करने के बाद फोर एन पाई फोर एन पाई फोर एन, क्योंकि आपने टू से मल्टीप्लाई किया, तो अगर चारों सेटिस्फाई कर रहे हैं तो जनरल सॉल्यूशन में आप फोर एन पाई इन चारों में। तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया था, आखिर के 6 क्वेश्चन रह गए और क्वेश्चन नंबर 9 रह गया, तो पहले हम जो साइन वाले सवाल है ना वही कर लेते हैं, क्योंकि हम वही करते हुए आ रहे हैं, उसके बाद टेंजेंट वाले एक साथ हम कर लेंगे। तो 13 पे आओ, वो भी कुछ कॉस वाला सवाल ही है, लिखा हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है कॉस टू एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, आपने यहाँ पे एक्स की वैल्यूज निकाल ली है। अच्छा भाई cos 2x पर डबल एंगल फॉर्मा लगा दो, आपकी कोशिश ये होती है कि पूरे फंक्शन, अगर बेस्ट तरीका क्या होता है कि पूरी इक्वेशन में एक ही फंक्शन हो, बेस्ट तरीका ये होता है, तो वो लाने के लिए cos 2x के तीन हाफ एंगल फॉर्मूले थे, लेकिन आप वो वाला यूज करो जिसमें cos आ, cos 2x का एक हाफ एंगल फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, मैंने ये वाला अप्लाई कर दिया, फिर आप इस cos x को बदल लिया और ये आपके पास, ये है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, लेकिन आप इसको ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो अल्जेब्रिक इक्वेशन होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक में क्वाड्रेटिक का वर्ड ही आप बोलते हैं, लेकिन आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ट्रीट कर सकते हो, जैसे वहां पे आप मिडिल टर्म देख सकते हो कि 2 को माइनस 1 से करो माइनस 2 आपने लाना है, तो कैसे लाओगे माइनस 2, आप यहाँ पे लिखोगे माइनस 2 कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, कैसे माइनस 2 कॉस प्लस कॉस, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2 कॉस स्क्वायर आएगा, और इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस कॉस एक्स आएगा, इस तरह मिल टर्म कर सकते हो, शुरू की दो टर्म में 2 cos x कॉमन ले लो, यहां से cos x बचेगा, यहां से माइनस 1, और इसमें से आप 1 ही कॉमन ले लो तो cos x माइनस 1, cos x माइनस 1 कॉमन ले लो, यहां से बचेगा 2 cos x, यहां से बचेगा प्लस 1, ये आपके पास रिक्वायर्ड फैक्टर आ जाएंगे। अब आप क्या लिखोगे आइदर, भाई दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो के बराबर है, तो या तो पहले वाला प्रोडक्ट जीरो है या दूसरा वाला है, तो आप x की वैल्यूज निकालो जिन पे दोनों जीरो आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन बन जाएगी cos x इज इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन बन जाएगी cos x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2, cos इनवर्स 1 जब कैलकुलेटर से निकालोगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा पाई बाय 2, नहीं सॉरी जीरो आएगा, cos के केस में मैंने आप लोगों को बताया था दूसरा दूसरा एंगल कैसे निकालते हो आप, 2 पाई में से माइनस करते हो, तो 2 पाई में से 0 को माइनस करो तो 2 पाई आएगा, यहां से दो आपके पास x के आंसर आ गए, इसी तरीके से cos इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2 जब आप कैलकुलेटर में लिखोगे तो कैलकुलेटर आंसर देगा 120, हाँ 120 दे रहा होगा, 120 मतलब 2 पाई बाय 3, तो अगेन cos के केस में दूसरा एंगल कैसे निकालते हो, 2 पाई में से माइनस करते हो, तो 2 पाई माइनस पहला वाला एंगल, तो सॉल्व करो ये हो जाएगा 6 पाई, ये हो जाएगा 4 पाई अपॉन 3, जैसे चेक करते जाना यार वैल्यू कभी मिस्टेक हो सकती है, मुझे यहां तक लगता है माइनस 1 अपॉन 2 ही है ना, 60 डिग्री पे होता है माइनस 1 अपॉन 2, सही है, तो अभी देखो इसके जनरल सॉल्यूशन लिखना तो कोई बड़ी बात नहीं है, 2 पाई अपॉन 3 के अंदर 2 एन पाई ऐड करना, इसके अंदर 2 एन पाई ऐड करना, इसमें तो कोई मसला नहीं, रही बात इसको जनरल सॉल्यूशन में कैसे आप लिखोगे, उससे पहले वेरिफिकेशन कर लेना, कल भी मैंने बहुत दफा बोला है, मैं इसलिए हर सवाल में करता क्योंकि टाइम जाया होता है, ये वेरिफिकेशन का स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस वाले सवाल में तो मुझे नहीं लगता कोई मसला होगा क्योंकि आपने कोई ऐसा स्क्वायरिंग या कोई नया काम नहीं किया इसके अंदर, बहरहाल ये चारों एंगल जो है ना पहले पुट करके देख लेना यहाँ पे,
सबसे पहले आप जीरो पुट करना, लेफ्ट और राइट बराबर होना चाहिए, फिर पाई पुट करना, लेफ्ट और राइट आपसे बराबर होना चाहिए, टू पाई पुट करना तो लेफ्ट और राइट बराबर हो, फिर ये दो एंगल पुट करना, अगर लेफ्ट और राइट साइड आपकी बराबर आ रही है इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। और ये कैलकुलेटर में कोई बड़ी बात नहीं है, एक दफा पैटर्न बना देना कैलकुलेटर में, इस तरह लिखना कॉस, जैसे कॉस का बटन दबाओगे कैलकुलेटर ये देगा आपको, उसके बाद आप लिखना टू और यहाँ पे ना मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट लगा देना, तो यहाँ पे ये एक पैटर्न बना लेना बुक में कैलकुलेटर में ताकि आपको आसानी हो, इस तरीके का ना एक पैटर्न बना लेना। और कॉस एक्स को भी दे लिया आसानी हो जाए, कॉस एक्स को जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस कॉस का बटन दबाना, अगेन कैलकुलेटर देगा, ब्रैकेट क्लोज कर लेना। तो ये एक दफा ना आपने पैटर्न बना लिया अपने कैलकुलेटर में, अब बस ब्रैकेट में बार बार आप एंगल पुट करते जाना, सबसे पहले यहाँ पे जीरो पुट करना, यहाँ पे जीरो पुट करना, पूरी चीज जीरो हो जानी चाहिए, फिर यहाँ पे टू पाई पुट करना, यहाँ पे भी टू पाई, पूरी चीज जीरो के बाद होना चाहिए, फिर यहाँ पे ये वाला, फिर यहाँ पे ये वाला एंगल। तो इस तरह है कि जल्दी जल्दी आप चेक कर सकोगे कि चीज सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही, और इनको बस स्टेप में भी शो करके दिखा देना पुट करके कि हाँ यार सेटिस्फाई हो रहा है पूरा। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि चारों एंगल जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, मैं एज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि मैंने चेक ही नहीं किए। तो अगर इफ सेटिस्फाई, अगर ये चारों एंगल सेटिस्फाई कर रहे हैं तो फिर अब आप जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखोगे उस पे आप। तो जो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा, SS मतलब सॉल्यूशन सेट, वो क्या होगा, देखो अब यहाँ पे ये दो एंगल है जीरो और टू पाई, असली तौर में बच्चे इस तरह लिखेंगे, पहले वाले में लिखेंगे जीरो प्लस टू एन पाई और दूसरे में लिखेंगे टू पाई प्लस टू एन पाई, इस तरह लिखेंगे, यही हम करते हुए ना जो दो एंगल आए उसके अंदर टू एन पाई ऐड करो, लेकिन अच्छा और इसमें जीरो ऐड करो ना करो बात देखिए, लेकिन ये तरीका अजीब है, ये तरीका अजीब इसलिए है कि ये आपको वैल्यूज रिपीट कर रहा होगा बार बार, जैसे इसके अंदर एन की जगह वन पुट करो तो आपको आंसर मिलेगा टू पाई, सबसे पहले जीरो से स्टार्ट करते हैं ना, अगर एन की जगह जीरो पुट करोगे तो यहाँ पे जीरो मिलेगा और यहाँ पे एन की जगह जीरो पुट करोगे तो टू पाई मिलेगा, कोई इशू नहीं है, फिर आप एन की जगह यहाँ पे जब वन पुट करोगे तो अगेन टू पाई मिलेगा आपको, मतलब पहले आपको टू पाई मिल चुका था दोबारा आपको टू पाई मिलेगा, फिर एन की जगह वन पुट करना यहाँ पे आपको फोर पाई मिलेगा, फिर जब एन की जगह टू पुट करोगे यहाँ पे तो अगेन फोर पाई मिलेगा। तो कहने का मतलब ऑब्जर्व करो चीजें बार बार वही आ रही है, तो इसका मतलब ये तरीका अच्छा नहीं है लिखने का, गलत नहीं बोलेंगे क्योंकि यूनियन जब लोगे तो यूनियन में तो एक दफा ही आप चीज लिखते हो, गलत नहीं है लेकिन अच्छा तरीका नहीं है लिखने का। तो अच्छा तरीका क्या, अगर आप ऑब्जर्व करो ना यहाँ पे जो एंगल आ रहे हैं वो टू पाई एड करके आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जीरो फिर टू पाई फिर फोर पाई फिर आएगा सिक्स पाई फिर आएगा एट पाई, तो इस चीज को बेहतर है इस तरीके से लिख दो, जस्ट आप लिख दो टू एन पाई, दैट्स इट, इस पूरी चीज की जगह आप लिख दो टू एन पाई, क्यों आसानी है, एन की जगह जीरो पुट करो जीरो आ जाएगा, एन की जगह वन पुट करो टू पाई आ जाएगा, एन की जगह टू पुट करो फोर पाई आ जाएगा, तो इतनी अलग से मेहनत करने की क्या जरूरत है फालतू की, जिसमें वैल्यूज भी रिपीट हो रही है, तो बेस्ट तरीका क्या है यहाँ पे टू एन पाई लिख दो, आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो शुरू के जो दो थे उसकी जगह तो मैंने छोटा सा लिख दिया, और अगर ये दो भी सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आप लिख देना टू पाई अपॉन थ्री प्लस टू एन पाई, इसी तरीके से फोर पाई अपॉन थ्री प्लस टू एन पाई, इस तरीके से आपकी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, इज इक्वल टू कॉस थ्री थीटा, इधर ले आते हैं तो नेगेटिव हो जाएगा, ये 14 में आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गया। शुरू के दो टर्म पकड़ो और यहाँ पे फॉर्मुला लगा दो साइन यू माइनस साइन वी का, अगर आपको याद हो इस फॉर्मुले में कॉस भी आता था, साइन यू माइनस साइन वी का फॉर्मुला क्या था, मैं ऊपर लिख देता हूँ, साइन यू माइनस साइन वी का फॉर्मुला था टू कॉस यू प्लस वी अपॉन टू साइन यू माइनस वी अपॉन टू, ये जितने सवाल अभी आप पढ़ रहे हो ना मेजोरिटी सवालों में आपने ये फॉर्मुले लगाने होंगे साइन यू प्लस वी इस टाइप के सारे फॉर्मुले, तो इसमें मेन चीज क्या होती है, हमारी कोशिश क्या होती है, हमारी कोशिश ये होती है कुछ कॉमन आ जाए किसी तरह, तो हम कॉमन लेके फैक्टर बना के इक्वल जीरो रख लेंगे, अब कॉमन ऐसे कैसे आएगा, अगर आप इन दो को पकड़ो और जब ये फॉर्मुला लगाओगे तो पहली टर्म क्या होगी कॉस यू प्लस वी अपॉन टू, यू है यहाँ पे फोर थीटा और वी है यहाँ पे टू थीटा, तो फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स थीटा को जब आप डिवाइड करोगे टू से तो ये क्या हो जाएगा थ्री थीटा जो कि ऑलरेडी मौजूद है, तो हम आसानी से कॉमन ले सकेंगे, ठीक है। तो बाकी सवालों में हमारी फोकस यही होगा किसी तरह कॉमन आते हैं, स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आप फॉर्मुला ना मेंशन कर देना सेंस करके वाला फॉर्मुला मेंशन कर देना, उसके बाद ही अप्लाई करना। तो शुरू की दो टर्म पे फॉर्मुला अप्लाई करो, क्या होता रहेगा टू कॉस फोर थीटा प्लस टू थीटा अपॉन टू साइन फोर थीटा माइनस टू थीटा अपॉन टू, तो शुरू की दो टर्म पे अपने अप्लाई कर दिया और माइनस कॉस थ्री थीटा भी कर देते हैं, सॉल्व करो फोर प्लस टू सिक्स सिक्स अपॉन टू थ्री, ये हो जाएगा कॉस थ्री थीटा और फोर माइनस टू टू, टू अपॉन टू जीरो होता है सॉरी वन होता है,
तो सिंपल साइन थीटा बच जाएगा यहाँ। अब देखो आपके पास कॉमन आ रहा है, यही तो आपका मकसद था, आप कॉस 3 थीटा यहाँ पे कॉमन ले लो, तो पहली टर्म में से आएगा 2 sin थीटा और दूसरी टर्म में से 1 बचेगा, ये हमारी कोशिश थी। अब दो चीजों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, वही हरकतें करनी है आपने जो हर दफा करते हो, कि cos 3 थीटा को 0 के बराबर रखना, इसी तरह 2 sin थीटा -1 को 0 के बराबर रखना। यहां से 3 थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 0 के, और यहाँ पे साइन थीटा है 1/2 के, और नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अब आपने सॉल्यूशन लिखना है, तो कैसे लिखोगे सॉल्यूशन? कॉस इनवर्स 0 कैलकुलेटर में सॉल्व करना 90 डिग्री होगा, मतलब पाई बाय 2। दूसरा एंगल कैसे निकालते हो कॉस के चक्कर में, बताया था 2 पाई में से माइनस करो, तो 2 पाई माइनस पाई बाय 2 ये हो जाएगा 3 पाई बाय 2, तो दूसरा एंगल आपका आ जाएगा 3 पाई बाय 2। आप लोग पेपर में ना इसको एक सामने सामने सॉल्व करना, इसको अलग सॉल्व करना, इसको सामने सामने सॉल्व करना, ठीक है? मेरे पास जगह नहीं है तो मैं पहले इसको सॉल्व कर रहा हूँ फिर दूसरे को सॉल्व करता हूँ। अब देखो अगेन ये 3 थीटा की वैल्यू है, लेकिन आपको निकालनी होती है थीटा, आपको थीटा अननोन है, थीटा निकालना है यहाँ पे, तो थीटा कैसे आएगा? 3 से डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा पाई बाय 6 और ये हो जाएगा 3 पाई बाय 6, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में आप लिख सकते हो पाई बाय 2। आपने दोनों एंगल को 3 से डिवाइड कर दिया, आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई, तो 2 थीटा की वैल्यू तो यहां से आ गई। अब जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2, कैलकुलेटर से निकालना, बहुत दफा इस इक्वेशन को सॉल्व करवाया, पाई बाय 6, और साइन के केस में आप दूसरा एंगल कैसे निकालते हो? पाई माइनस पहला वाला एंगल, तो पाई माइनस पाई बाय 6, तो कैलकुलेटर आंसर दे देगा 5 पाई बाय 6, तो 2 एंगल आपके पास यहां से आ गए। ये 3 थीटा वाली इक्वेशन को जब आपने सॉल्व किया था 3 से डिवाइड करने के बाद ये आ रहा था, और ये तो नॉर्मल आपने सॉल्व किया था, आपको 2 आंसर मिल गए थे। अच्छा अब यहाँ पे वेरीफाई करके देख लेना, पाई बाय 6, पाई बाय 2, 5 पाई बाय 6 पुट कर लेना, सेटिस्फाई कर रहे होंगे। जनरल सॉल्यूशन आप कैसे लिखोगे? अब देखो इसके जो ये जो 2 एंगल आए हैं ना, इनका जनरल सॉल्यूशन लिखने का तरीका अलग होगा। इसको आप कैसे लिखोगे? इसको आप लिखोगे पाई बाय 6 प्लस 2n पाई अपॉन 3। 3 क्यों आया? वही बात कि आपने इन दोनों एंगल्स को कैसे निकाला था, 3 डिवाइड करके, तो फिर आप 2n पाई को भी 3 से डिवाइड करोगे, तो एक तो ये हो जाएगा। फिर आप लिखोगे यूनियन, दूसरा क्या है पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 के अंदर आप ऐड करोगे 2n पाई अपॉन 3, इनका आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद जब आप इनका सॉल्यूशन लिखोगे ना, ये तो नॉर्मल था, इसमें कोई डिवाइड तो नहीं किया था आपने, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? पाई बाय 6 प्लस 2n पाई यूनियन, इसका क्या होगा? 5 पाई बाय 6 प्लस 2n पाई। अच्छा ये 2 लिखने की जरूरत है नहीं, वजह क्या है? वही वजह आप लोगों को बता रहा था मैं, ये वजह क्या है? वजह इसलिए नहीं क्योंकि ये जो एंगल आपको दे रहे हैं ऑलरेडी यहाँ पे कवर है। अगर आप ये लिख दो ना इनके साथ 4 करके लिख दो, 2 ये और 2 ये अगर लिख दो, गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन वही बात के आंसर रिपीट हो रहे होंगे, जो आंसर आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे ना, ये वही आपको आंसर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे हो क्या रहा है यहाँ पे, आप 360 ऐड करते जा रहे हो, सबसे पहले 360 ऐड करोगे, फिर 720 इस तरीके से ना, तो जब एन की वैल्यू 1 होगी यहाँ पे, तो पाई मतलब 30 के अंदर आप ऐड करोगे 360, तो ये आपको आंसर मिलेगा 390। 390 ऑलरेडी आपको यहाँ पे मिल चुका होगा। जब आप एन की जगह यहाँ पे 3 पुट करोगे ना, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 पाई बन जाएगा, सेम आपको भी आंसर 390 मिल रहा होगा। इसी तरीके से अगर आप एन की जगह यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 2 पुट करोगे, तो 30 के अंदर 720 ऐड करना, ऑलमोस्ट आपको आंसर मिल रहा होगा 750। सेम 750 आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जब आप एन की जगह यहाँ पे 6 पुट करोगे ना, तो 6/3 2 होता है, अगेन ये 4 पाई हो जाएगा, सेम आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये चीज में जो आपको आंसर मिल रहे होंगे ना, तो ये जो आपको आंसर देगा वो ऑलरेडी इसके अंदर कवर हुए होंगे, तो दैट्स वाई इस वाली चीज को तो लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये सारे आंसर आपको दे रहे हैं। इसी तरह अगर आप इस पे आओ, ये पहला आपको आंसर क्या देगा, एन की वैल्यू 0, अच्छा एन की वैल्यू 0 पे आपको 30 दे रहा है, तो ये भी एन की 0 पे 30 दे रहा था, जो कि आपको ऑलरेडी मिल गया था, तो ये आपको जो आंसर दे रहे हैं ना, वो सब यहाँ पे ऑलरेडी आपको मिल रहे हैं, तो आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, फालतू चीज है। अब इस पे आ जाओ, ये सबसे पहले अगर आप एन की जगह 0 पुट करोगे, ये पूरी वैल्यू क्या है 150 डिग्री, तो पहला आंसर आपको 150 मिलेगा। फिर आप एन की जगह 1 पुट करो, मतलब 150 के अंदर, इसके अंदर 360 ऐड करो, तो ये हो जाएगा तकरीबन 510। फिर आप दोबारा 360 ऐड करो, तो ये हो जाएगा 870। ये ऑलरेडी आपको यहां पे मिल चुके हैं, कैसे 150 आपको कैसे मिलेगा? जब आप एन की जगह यहां पे 1 पुट करोगे ना, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3, 2 पाई अपॉन 3 को जब पाई पे 6 के अंदर ऐड करोगे, तो 150 डिग्री आ रहा होगा, तो ये 150 डिग्री ऑलरेडी आपको यहां पे मिल गया जब आप एन की जगह 1 पुट करोगे। इसी तरह जब आप एन की जगह यहां पे 4 पुट करोगे, नहीं एन की जगह पे जब आप यहां पे पुट करोगे, हाँ 4 ही पुट करोगे, तो ये हो जाएगा 8 पाई अपॉन 3। जब आप एन की जगह 4 पुट करोगे ना, तो ये हो जाएगा 8 पाई अपॉन 3 होता है, ये 480 डिग्री होता है, ठीक
ठीक है, 480 डिग्री को जब आप 30 के अंदर ऐड करोगे तो 510, तो ये 510 भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एन की जगह यहाँ पे आप 4 पुट करना तो 510 भी मिल जाएगा। इसी तरह एन की जगह आई गेस आप यहाँ पे 7 पुट करो, ये हो जाएगा 14π/3। 14π/3 की 60 को 14 से अगर मल्टीप्लाई करो आप तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 840। 840 के अंदर 30 ऐड करो, 817। तो कहने का मतलब ये, इसको भी कैंसिल कर दो, इसको भी कैंसिल कर दो, क्यों, क्योंकि ये जो आपको दो आंसर दे रहे हैं ना वो आंसर ऑलरेडी आपको ये चीज दे रही है, तो इसको अलग लिखने की क्या जरूरत है। लिख दोगे तो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन अच्छा तरीका है कि ये सब मतलब जी अगर आपने लिख दिया तो ये दोनों कवर हो गए इसके अंदर, और ये चीज जो है ये आपको अलग एंगल दे रहा होगा, दैट्स वाई इसको भी आप लिखोगे और इसको भी लिखोगे, तो फाइनल सॉल्यूशन ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। इस तरीके से आपका फाइनल सॉल्यूशन है। 15 पे आ जाओ, 15 में बच्चों यही कॉन्सेप्ट है, वही सम वाले आपने साइन यू कॉस यू वाले फॉर्मूला लगाने। तो 15 में लिखा हुआ है कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा, ये लिखा है। अच्छा अब इसको सॉल्व कैसे करना है, अगेन वो कॉमन लेने वाली बात आपके जहन में होनी चाहिए, वो अगर जहन में होगी तो आपको समझ आ जाएगा हम करना क्या चाहते हैं। अगर आप इन दो पे फॉर्मूला लगाओगे कॉस यू प्लस कॉस वी का, तो कॉस यू प्लस कॉस वी के फॉर्मूले में मैं लिख देता हूं, अगर आप लोगों को याद हो तो दोनों टर्म कॉस की आती थी, कॉस यू प्लस कॉस वी होता था 2 cos u + v/2 cos u - v/2। आपको फायदा नहीं होगा आपको, क्यों, u प्लस वी का मतलब क्या है, थीटा प्लस 3 थीटा ये हो जाएगा 4 थीटा, 4 थीटा को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2 थीटा, ऐसा। फिर क्या है कॉस यू माइनस कॉस वी, थीटा को माइनस करोगे 3 थीटा से -2 थीटा, उसको 2 से डिवाइड करोगे जस्ट थीटा आ रहा होगा, क्योंकि कॉस के अंदर नेगेटिव को इग्नोर कर देते, तो कॉमन नहीं ले पाओगे ना, यहाँ पे कॉस 5 थीटा लिखा हुआ कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा, क्या फायदा होगा लिखने का। तो अब हमारी प्रॉपर टेक्निक क्या है कि इसको थोड़ा अरेंज करते हैं इस तरीके से कि कुछ कॉमन आ जाए। मैं क्या करूंगा यहाँ पे 5 थीटा और थीटा को एक साथ लिखूंगा, क्यों, क्योंकि 5 + थीटा ये होता है 6 थीटा, और 6 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 3 थीटा आ जाएगा और मैं कॉमन ले सकूंगा। ये टेक्निक है जो आपको असल सीखनी है सवाल के अंदर, ठीक है। तो मेरे लिए बड़ा आसान था कि मैं सवाल का स्टार्ट ही करता इस तरीके से कि कॉस थीटा और कॉस 5 थीटा को एक साथ लिख देता, ना इतनी मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ लिखने की वजह है। अब पेपर में रट्टे थोड़ी ना मारोगे जाके कि सर ने पेपर में 5 थीटा को लिखवाया था, पेपर में भूल जाओगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्या है कि कुछ ऐसा करो कि कॉमन आ जाए किसी तरह, ताकि आपकी लाइफ आसान हो जाए। अब आप ये फॉर्मूला पूरा मेंशन कर देना, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो, ये हो जाएगा cos 2 θ + 5 θ / 2 cos θ - 5 θ / 2, ये आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दी और cos 3 θ आपकी जगह पे। अब फायदा ये हुआ कि θ + 5 θ 6 6/2 3θ θ - 5 θ - 4θ - 4/2 - 2θ, भाई कॉस के अंदर माइनस आई इग्नोर कर दो, सिंपल 2 थीटा बचेगा। अब देखो कितनी आसानी होगी हमें, हम यहां से लेंगे cos 3 θ कॉमन, ये हो जाएगा 2 cos 2 θ + 1। ये फायदा होता है करेक्ट चीज अगर आप सही तरह स्टेप लोगे तो आपका सवाल काफी इजी हो जाएगा। ये हो जाएगा cos 3 θ = 0 और जाएगा 2 cos 2 θ + 1 = 0, ये हो जाएगा 3 θ = cos 1 0। यार इसके वही सॉल्यूशन है जो अभी बताए थे, तो एग्जैक्ट ये वही सवाल है, 14 में एग्जैक्ट ये चीज आई थी, इसको मैं दोबारा नहीं बता रहा, इस पे आ गए। ये हो जाएगा cos 2 θ = -1/2, 2 θ हो जाएगा cos 1 - 1/2। ये वाला सॉल्यूशन भी बहुत दफा हमने किया, इसका आंसर आता है 120 डिग्री, मतलब 2π/3, और दूसरा एंगल आप कैसे निकालते हो, 2π में से माइनस करते हो ये वाला एंगल, तो आंसर आ जाएगा 4π/3, लेकिन ये आंसर आया 2 θ का, आपको किसका चाहिए, थीटा का चाहिए, तो आप 2 से डिवाइड कर देना, जो है वो नेट का एक्स टू बन गया था, अभी तो आप लोगों को आ रहा होगा सही तरीके से। अच्छा चाहे पहले मुझे बताओ ये दोनों पॉइंट समझ आ गए सबको, मेरे मतलब यहां तक क्लियर है सबको, यस सर। ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन तो मैंने आप लोगों को बता दिया था किस तरीके से आपने निकाला था। हाँ ये चारों वैल्यूज जो आपके पास आई है ना, इनको आपने पुट करना है यहाँ पे, अगर ये चारों सेटिस्फाई कर रही है, इफ सेटिस्फाइड, तो आप जनरल सॉल्यूशन इस तरीके से लिखोगे। किस तरीके से, तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या होगा, आप लिखोगे सबसे पहले 5/6 और इसके अंदर ऐड क्या करोगे, वही इंपॉर्टेंट बात, आपने थीटा निकालते हुए 3 से डिवाइड किया था, तो अब आपको 2n π को भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2n π/3, तो आप लिखोगे 2n π/3, सेम पाई पर 2 को भी सीधा लिखोगे, तो π/2 को भी आपने इसी तरह लिख दिया।
अब जरा बाकी दो पे देखते हैं। देखो यहाँ पे थीटा निकालने के लिए आपने क्या किया था, टू से डिवाइड किया था, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, टू एन पाई को टू से डिवाइड करोगे। तो जब टू एन पाई को डिवाइड करोगे टू से तो जस्ट एन पाई आएगा, एन पाई। तो बाकी दो एंगल में आप क्या करोगे, एन पाई एड करोगे। ये बच्चों करेक्ट तरीका है, 16 में एग्जैक्ट इसी किस्म के फॉर्मूले आपने अप्लाई करने। तो है साइन एक्स, साइन थ्री एक्स, साइन फाइव एक्स, साइन सेवन एक्स। अब अगेन कॉन्सेप्ट जरा ध्यान से देखना ताकि आसानी हो जाए। साइन यू प्लस साइन वी के फॉर्मूले लगेंगे ना, तो साइन यू प्लस साइन वी में क्या होता था कि साइन, सिंपल फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, साइन यू प्लस साइन वी का फॉर्मूला था टू साइन यू प्लस वी अपॉन टू कॉस यू माइनस वी अपॉन टू। अब आपने इसको अरेंज करना है, अभी देखो इस फॉर्म में अगर करोगे तो कोई फायदा होगा या नहीं होगा। अगर आप इन दो में लगाओ तो आपको एक टर्म मिलेगी एक्स प्लस वन प्लस थ्री फोर फोर अपॉन टू, तो एक टर्म मिलेगी साइन टू एक्स और दूसरी टर्म मिलेगी कॉस एक्स। फॉर्मूला अप्लाई करके देखना और टू आ रहा होगा यहाँ पे, तो इन दो पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये चीज आ रही होगी। और अगर इन दो पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 12 अपॉन टू सिक्स और माइनस करोगे तो कॉस एक्स। देखो कॉमन आ रहा है यहाँ पे, कॉस एक्स दोनों में कॉमन आ रहा है, तो आप लिखोगे कॉस एक्स कॉमन है, ये हो जाएगा, टू भी कॉमन ले सकते हो। तो यहां से आएगा साइन टू एक्स और यहां से आ जाएगा साइन सिक्स एक्स, ये सिचुएशन बन जाएगी। अगर आप किसी और को भी लोगे तो यही कॉन्सेप्ट बन रहा होगा, यहाँ पे अंदर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको आपस में अरेंज करो तो यहां से आ जाएगा 3x और 2x, यहां से आ जाएगा 5। तो उम्मीद है आपको यहां पे बात समझ आ गई होगी ना कि इस पे आपने साइन यू प्लस साइन वी का फॉर्मूला लगाया तो ये दो टर्म आ जाएंगी। उसके बाद मैंने बोला था 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 हो जाएगा, 4 का कोई रोल नहीं है, 4 को वहां जाके 0 से डिवाइड कर दोगे तो खत्म हो जाएगा। तीन फंक्शन जो है ना उन पे जरा ध्यान दो, कॉस एक्स, कॉस 2x और साइन 4x, इसको आपने अलग अलग सॉल्व करना है। तो सबसे पहली टर्म है cos x, इसको जीरो के बराबर रखना क्योंकि सब चीजें मल्टीप्लाई हो रही है ना और प्रोडक्ट जीरो के बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब सबको आप जीरो के बराबर रखोगे। इसको भी रख दिया, अच्छा cos 2x को भी जीरो के बराबर रख दो और sin 4x को भी जीरो के बराबर रख दो। अब हम इसको सॉल्व करो, cos x इज इक्वल टू जीरो, ये सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत दफा मैंने सॉल्व करवाया है। cos इनवर्स जीरो होता है पाई बाय टू, दूसरा एंगल टू पाई में से माइनस करना तब आएगा थ्री पाई बाय टू, तो यहां से आ जाएगा पाई बाय टू और थ्री पाई बाय टू। और उसको जनरल सॉल्यूशन में लिखने का कोई मुश्किल तरीका नहीं है, पाई बाय टू के अंदर टू एन पाई ऐड करना, थ्री पाई अपॉन टू के अंदर टू एन पाई ऐड करना, जैसे आप नॉर्मल जनरल सॉल्यूशन लिखते हो ना वैसे ही आपने लिखना है। बस जो यहाँ से आंसर आ रहे हैं ना दो उनको पहले चेक कर लेना क्या वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं, इन दोनों को इक्वेशन के अंदर पुट कर लेना, अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इनका जनरल सॉल्यूशन लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आ जाओ इस पे, सेम जब आप इसको सॉल्यूशन करोगे कॉस उधर जाएगा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स जीरो, आंसर यही आ रहा होगा पाई बाय टू और थ्री पाई बाय टू, लेकिन वैल्यू आपको 2x की मिलेगी। x की वैल्यू कैसे मिलेगी, अगर आप 2 से डिवाइड करो तो इनको 2 से डिवाइड करो ये हो जाएगा पाई बाय 4 3 पाई बाय 4, तो यहां पे ये आपको x की वैल्यूज मिल रही होंगी, ठीक है। अगर ये सेटिस्फाई कर रही हो तो इसको जनरल सॉल्यूशन में कैसे लिखोगे, पाई बाय 4 प्लस n पाई, क्योंकि आपने 2 से डिवाइड किया है ना, तो 2n पाई को भी अगर 2 से डिवाइड करोगे तो n पाई हो जाएगा, तो इसके अंदर भी n पाई ऐड करना, इसके अंदर भी n पाई ऐड करना, तो ये भी दो सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन यहां से आ जाएंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका भी वही है, साइन को उधर ले जाना, ये हो जाएगा साइन इनवर्स जीरो, साइन इनवर्स जीरो कैलकुलेटर से निकालना आंसर आएगा जीरो। दूसरा एंगल कैसे निकालते हो, पाई में से माइनस करते हो, पाई माइनस जीरो, तो पाई माइनस जीरो मतलब सिंपल पाई आ जाएगा, सही है। उसके बाद आप क्या करोगे, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो क्या करो, फोर पर डिवाइड कर दो, तो जीरो डिवाइड बाय फोर, तो एक ही बात है, जब पाई को फोर से डिवाइड करोगे तो यहां पे आ जाएगा पाई अपॉन फोर, तो यहाँ पे आपने फोर से डिवाइड करना होगा, तो दो सॉल्यूशन आपके यहां से आ जाएंगे। अब इस पर जनरल सॉल्यूशन में कैसे लिखोगे, सिंपल आपने फोर से डिवाइड किया है तो जब टू एन पाई है उसको भी फोर से डिवाइड कर लेना, टू एन पाई को जब फोर से डिवाइड करोगे तो एन पाई अपॉन टू आ जाएगा, मतलब टू एन पाई डिवाइडेड बाई फोर, तो ये हो जाएगा एन पाई अपॉन टू, तो जीरो के अंदर भी एन पाई अपॉन टू एड कर देना और पाई अपॉन फोर के अंदर भी एन पाई अपॉन टू एड कर देना, इस तरीके से आप इसका जनरल सॉल्यूशन लिखोगे। देखो इसका अगर आप जनरल सॉल्यूशन एक साथ लिखोगे ना, अलग अलग तो मैंने आप लोगों को बताया है कि टोटल 6 सॉल्यूशन है, इनके जनरल सॉल्यूशन आप कैसे लिखोगे, लेकिन अगर आप एक साथ इन 6 को लिखो तो थोड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इग्नोर करना है, ये मेरी कोई पता नहीं
क्या है, कोई एनरोलमेंट कार्ड है शायद, मैं पेज आया नहीं होने देता, मैं मैथ करता रहता हूँ उस पर। तो वैसे 6 सॉल्यूशन है, अगर आप इन 6 को चेक करो ना, ये सब इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, यहाँ पे 0 आ रहा था, फिर पाई बाय 4, ये सब सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जनरल सॉल्यूशन लिखने का एक लंबा तरीका और बेवकूफ़ों वाला ये कि आप इसको लिखो, फिर यूनियन, फिर ये, फिर यूनियन, फिर ये, करते करते 6 लिखो। बेवकूफ़ी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो शुरू के 4 सॉल्यूशन है ना, ये जो आपको आंसर दे रहे हैं, ये एंड के 2 सॉल्यूशन जो हैं, ये सब आपको आंसर दे रहे हैं। मतलब आपको शुरू के 4 लिखने की जरूरत नहीं है, जो आपको आंसर यहाँ पे मिल रहे हैं ना, वो कोई नई बात नहीं है, वो सब आंसर आपको ये दे रहे हैं, तो एक्स्ट्रा लिखने की क्या जरूरत है। मैं आपको बताता हूँ, जो पहला सॉल्यूशन है पाई बाय 2, इसमें एन की जगह 0, मैंने सब में ना एन की जगह 0 पुट किया है, फिर 1, फिर 2, फिर 2, 3, इस तरह किया हुआ मैंने। तो 0 पुट करो 90 आएगा, 1 पुट करो तो ओवरऑल 450 आएगा। डिग्री में मैंने समझाया था कि बात समझ आ जाए। फिर एन की जगह अब यहाँ पे 2 पुट करना तो आपको 810 डिग्री मिल जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई, मतलब 720, 720 को 90 में ऐड करना 810, तो ये 3 एंगल मैंने लिख दिए, बाकी भी आप एन की वैल्यू पुट कर सकते हो। इसी तरह एन की वैल्यू 0 पे ये आंसर मिल रहा है, इसके अंदर 1 पे और 2 पे आपको आंसर मिल रहा है, फिर एन की वैल्यू 0, 1, 2, 3, फिर 0, 1, 2, 3। इसी तरीके से जो एंड के 2 सॉल्यूशन थे ना, वो 0 और पाई बाय 4 था। तो 0 के अंदर जब आपने एन पाई बाय 2 ऐड किया तो एन पाई बाय 2 आएगा, पाई बाय 4 के अंदर आपने एन पाई बाय 2 ऐड किया तो ये आएगा। अब इसमें एन की जगह 0 पुट करो तो ये वैल्यू आएगी, 1 पुट करो 90, 2 पुट करो 180, 3 पुट करो 270। ये 90 का टेबल चलता जा रहा है क्योंकि 90 का मल्टीपल है ना ये, 4 पे ये आएगा, 5 पे, 6 पे, 7, 8, 9, 10 और 11 पे ये आंसर आ रहा है। इसी तरह इसमें 0 पुट करो 45, 1 पुट करो यहाँ पे एन की जगह तो पाई बाय 2 के अंदर जब पाई बाय 4 ऐड करो 135, ये समझ लो 90 90 ऐड करते जा रहे हो आप। इसमें भी तो 135 में 90 ऐड किया आया, इसमें 90 ऐड किया आया, करते करते यहाँ पे आ गया। अब देखो ऊपर आपको इस वाले सॉल्यूशन में क्या आंसर मिल रहे हैं, 90, 450, 810, ये सब आपको आंसर यहाँ मिल रहे हैं। देखो 90 भी मिल रहा है, 450 भी मिल रहा है, 810 भी मिल रहा है। इसके बाद भी जो आंसर आएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे जो भी आंसर आ रहे होंगे वो 90 के टेबल में आएंगे, ठीक है, और 90 का टेबल पूरा ये आपके सामने मौजूद है, तो जो भी यहाँ पे आंसर मिलेगा वो 90 के टेबल में आता होगा और 90 का टेबल पूरा कवर हो रहा है यहाँ पे, तो इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसको मैंने क्रॉस कर दिया। फिर अगर इसमें देखो तो इसके भी जो आंसर आएंगे वो 90 के टेबल में आते होंगे, जैसे 270 90 के टेबल में आता है, 630 आता है, 990 आता है, आप देखो कवर हो रहा है 270, 630, 990, क्योंकि 90 के टेबल में सब आएगा और ये पूरा 90 का टेबल है जो यहाँ पे हर चीज़ को कवर कर लेगा, तो शुरू के 2 को तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा फिर अगर आप इस पे आओ तो इस पे जो आपको वैल्यूज मिल रही है 45, 225, 4, ये सब वैल्यूज भी आपको यहाँ पे मिल रही हैं, क्योंकि वो सब है जो 45 के टेबल में आ रहे होते हैं। अब इसको मैं 45 का टेबल तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एटलीस्ट ये सारे आंसर इसमें कवर हैं, जैसे 45 आ रहा है इसके अंदर, 225 आपको नजर आ रहा है, 405 आपको नजर आ रहा है, 585 आपको नजर आ रहा है। अच्छा इसमें आंसर कैसे आ रहे हैं, 180 ऐड कर रहे हो, 180 का मतलब होता है 45 मल्टीप्लाई 4, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद 585 के अंदर अगर आप 180 ऐड करोगे ना तो आई गेस 745 आएगा, तो 745 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देख लेना 585 में ऐड करके दिखा देता हूँ, 585 में अगर आप 180 ऐड करोगे तो 765 आएगा, और 765 यहाँ पे कवर है, अगर आप यहाँ पे 90 ऐड करो तो 765 आ जाएगा, तो कहने का मतलब इसकी भी जरूरत नहीं है। इसी तरह ये जो है ये भी 45 के टेबल में आते हैं, जैसे 135 कवर हो गया, 315 कवर हो गया, 495 ये आ गया, 675 यहाँ पे आ गया, तो जो भी आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेंगे ना वो सब आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे, तो आपको ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार मैं इसको ऐड करूं ना करूं, ये एक ही बात है, ये इस तरीके से वर्क कर रहा है। तो अगर आप एंड के 2 कंसीडर कर लो ना तो दैट्स इट, ये अक्लमंदी है। शुरू के लिखना अक्लमंदी नहीं है, मसला कुछ नहीं होगा, आंसर गलत नहीं माना जाएगा, कोई अगर गलत कर दे वो अलग बात है, लेकिन आंसर गलत नहीं होगा, बस ये है कि जो वैल्यूज आपको यहाँ पे मिल रही है वही दोबारा यहाँ पे मिल रही है, तो बार बार लिखने की क्या जरूरत है, आप एंड के 2 लिखो काफी हो जाएगा। सही है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों का हो गया, सेम वही कॉन्सेप्ट है, कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। अब 17 18 है, इनको भी जरा देख लेते हैं। 18 तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, बड़ा इजी है 18 भी, 18 पे भी आ जाओ, यहीं पे बता देते थोड़ा सा, वही साइन कॉस वाली चक्कर है 18 के अंदर भी। 18 में जो साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर की जगह लिखते हैं ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स, फिर लिखना 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर की जगह आपने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, फिर -1 = 0, तो 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा 2 कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। बड़ा इजी है, कॉस एक्स कॉमन लेना है यहां से, ये हो जाएगा 2 माइनस कॉस एक्स। मुझे लग रहा है सॉल्यूशन मैंने करवाया है, माशाल्लाह। ये क्वेश्चन नंबर 7 और 18 सेम ही है, क्वेश्चन नंबर 7 भी एग्जैक्ट यही है, बस 1 को इधर ले आना तो वो नेगेटिव हो जाएगा, एग्जैक्ट 7 और 18 सेम है, हाँ सेम ही क्वेश्चन है, तभी मैं कह रहा हूँ मैं एक चीज करवा चुका ऑलरेडी।
18 को तो स्किप कर दो, अगर 7 कर लिए तो 18 तो वैसे ही है, छोड़ देना इसको। तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 रह गया और क्वेश्चन नंबर 17 रह गया। अच्छा दो क्वेश्चन है फिर आप लोगों की छुट्टी हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। अच्छा 17 क्वेश्चन क्या है, बहुत दफा मैंने करवाया ये, ट्राई किया है इसको तो मुझे याद हो गया ये। मैं इसका इजी सॉल्यूशन ढूंढ रहा था ना, तो इसलिए मेरे ध्यान में था, तो मुझे इजी सॉल्यूशन मिल गया था। एक मेरे ध्यान में था जो मुश्किल वाला था, लेकिन इजी वाला मैंने निकाल लिया था, तो इसलिए मुझे याद हो गया सवाल। खैर हाँ, तो करना क्या है इसके अंदर, इसको एक काम करो, इक्वेशन के एक तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा √3 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 0। सॉल्व कैसे करोगे, कॉट क्यों लिख दो आप कॉस अपॉन साइन। अब मैंने कॉट को कॉस अपॉन साइन ही क्यों किया, मैं कॉट को 1/tan भी कर सकते था। उसकी वजह ये कि कॉसेक को अगर आप लिखोगे तो कॉसेक होता है 1/sin, तो डिनोमिनेटर मैच हो जाए। अगर आप कॉट को लिखते 1/tan क्या करते उसके बाद, अभी तो देखो डिनोमिनेटर मैच हो गए, फिर आप साइन थीटा एलसीएम, यहाँ पे आ जाएगा √3 sin थीटा, यहाँ पे तो कॉस ही आएगा और यहाँ पे -1 ही आएगा। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो अब हमने क्या बोला था साइन थीटा जाके 0 हो जाएगा। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हो कि जब दो चीजों का रेशो 0 के बराबर है, फॉर एग्जाम्पल दो फंक्शन है जिनका रेशो डिविजन 0 के बराबर है, तो ये उसी वक्त पॉसिबल होता है जब आपका न्यूमिनेटर 0 के बराबर हो, वरना आपकी फ्रैक्शन का आंसर 0 नहीं हो सकता ना। तो एक ही सूरत में 0 हो सकता है कि न्यूमिनेटर अगर आपका 0 हो, तो आप क्या करो न्यूमिनेटर को 0 के बराबर रखो, ये न्यूमिनेटर है इसको मैं 0 के बराबर रखूंगा। ये सिंपल, क्या आप किस तरह समझ सकते हो आसानी से, अगर आपने समझ लें कि साइन थीटा वहां जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस -1 को उधर ले जाना, पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं ये नहीं करना, वरना सॉल्यूशन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इजी हल क्या है कि इन दोनों टर्म को उधर ले जाओ, तो √3 sin थीटा इधर रहने दो, उधर जाके हो जाएगा 1 - cos थीटा, साइन चेंज रहेंगे। फिर आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना, लिख देना स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायरिंग कर लेना, ये हो जाएगा 3 sin²θ, इस पे फॉर्मूला लगा देना, ये हो जाएगा 1 - 2 cos थीटा + cos²θ। अब देखो आपका सवाल कॉस की फॉर्म में, तो इसको भी कोशिश करो कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, साइन स्क्वायर होता है 1 - cos², इसको एज इट इज कॉपी कर दो। अच्छा यहाँ पे मौजूद है -3 cos², उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा +3 cos² हो जाएगा, तो +3 cos² और ये वाला cos², ये हो जाएगा 4 cos², -2 cos थीटा ऑलरेडी मौजूद था, मैं दोनों टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करवा रहा हूँ असल में, तो -3 वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा, इसके साथ 4 ये अपनी जगह पे, 3 को 1 से करो 3, 3 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, 1 - 3 - 2। पूरी इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 2 cos²θ - cos θ - 1 = 0। भाई इसी पूरी इक्वेशन को मैं पहले भी सॉल्व करवा चुका हूँ मिडिल टर्म ब्रेक करके, दोबारा देख लो, मिडिल टर्म ब्रेक करोगे तो जाएगा 2 cos²θ - 2 cos θ + cos θ - 1। तो 2 cos कॉमन ले लो शुरू की दो टर्म से, यहां से आप 1 कॉमन ले लो, वही फॉर्मेलिटी के स्टेप यार सारे करो। एक फैक्टर आएगा cos θ - 1, 0 के बराबर रखना है इसको, तो cos θ = 1 हो जाएगा। दूसरा फैक्टर होगा 2 cos θ + 1, इसको 0 के बराबर रखना, तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी -1/2, ये हो जाएगा cos inverse 1 और ये हो जाएगा cos inverse -1/2। इसको सॉल्व करो, इसके आंसर पे 0 मिलेगा। दूसरा एंगल आप कैसे निकालते, 2π में से माइनस करते हैं, तो 2π - 0 2π होगा। और ये इक्वेशन तो बच्चों बहुत दफा सॉल्व करवाई है, तो मशहूर जमाना ये दो एंगल आपके पास आ जाएंगे। अब आप चेक करो क्या ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, पर शुरू के दो एंगल तो सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते, उसकी वजह ये है कि कोसेक और कॉट सेटिस्फाई तो छोड़ो आप पुट ही नहीं कर सकते, कोसेक और कॉट की डोमेन में 0 और 2π आते ही नहीं है, क्योंकि कोसेक के डिनोमिनेटर में भी साइन आता है, कॉट के डिनोमिनेटर में भी साइन आता है, और साइन इन दोनों वैल्यूज पे 0 होता है, तो डिनोमिनेटर तो 0 नहीं हो सकता ना, वरना अनडिफाइन हो जाएगा वो, तो ये तो आप पुट ही नहीं कर सकते। तो आप वेरिफिकेशन के स्टेप में लिखना कि 0 और 2π जो है वो तो कोसेक और कॉट के डोमेन में नहीं आता, तो ये तो वैसे ही पारे हो जाएंगे। फिर दो एंगल बचेंगे, मैंने चेक किया, मैं आप लोग भी चेक कर लेना, 4π/3 जब आप पुट करोगे ना तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा होगा, लेफ्ट हैंड साइड पूरी, या अगर आप इसको इस पर पुट करोगे तो पूरी लेफ्ट हैंड साइड 0 के बराबर नहीं आ रही होगी, और अगर आप इसके अंदर पुट करोगे तो लेफ्ट और राइट आपस में बराबर नहीं आ रहा होगा। तो कैलकुलेटर में जब आपने पुट करना, जाहिर सी बात है एक ही साइड पुट कर सकते हो ना, इक्वल का बटन दबा के अलग अलग दो थोड़ी ना निकालोगे, तो इस फॉर्म में पुट करना और देखना पूरी लेफ्ट हैंड साइड 0 के बराबर नहीं आ रही होगी, जबकि 2π/3 पुट करोगे तो आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट कैसे लिखोगे, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा 2π/3
2n था, और मजे की बात है इसका आंसर ही बुक ने गलत लिखा है। खैर तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अब आगे क्वेश्चन नंबर 9। वाहिद एक सवाल था दो जिसमें टेंजेंट फंक्शन आ रहा है, बाकी किसी सवाल में तो टेंजेंट फंक्शन था ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है 3 tan² x + 2√3 tan x + 1। देखो इन सवालों के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों को वो तरीका करवाऊं जो सबसे छोटा हो, सबसे इजी तरीका हो। तो अगर आप लोगों को ऐसा तरीका मिलता है जो मेरे तरीके से भी छोटा हो सकता है ऐसा, तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगा सही तरीका नहीं। बाद जब बच्चे कोई मिस्टेक करके उसको छोटा कर देते हैं, तो अगर कोई और तरीका बिल्कुल हो सकता है किसी और टीचर का किया और आपने देखा हुआ तरीका तो मुझसे शेयर करना, अगर वो छोटा होगा तो मेरी नॉलेज में भी इजाफा हो जाएगा, क्योंकि इसके सॉल्यूशन डिफरेंट अंदाज में, जैसे सवाल है इसका डिफरेंट तरीके से हो सकता है, लेकिन मुझे काफी अच्छा सॉल्यूशन मिला छोटा वाला, तो वो मुझसे करते हैं। और वो सॉल्यूशन बड़ा इजी है, आप देख के पहचान सकते हो कि मैं अगर इसको a+b² के फॉर्म में लिखूं तो ये आ सकता है। कैसे, इसको मैं लिख सकता हूं √3 tan x² तो ये चीज आएगी, ये हो गया a² + 2ab, b को हम यहाँ पे बन लेते हैं, तो अगर आप देखो 2ab में आपको एग्जैक्ट सेकंड टर्म मिल रही है, और थर्ड टर्म क्या होती है b² 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो तीन टर्म को थोड़े डिफरेंट अंदाज में आपने यहाँ पे लिख दिया, तो ये वही फॉर्मूला बन रहा है a² + 2ab + b², जिसको आप लिख सकते हो a + b। बच्चों के जहन में आता है सर हमें तो नजर नहीं आया आपने इस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि भाई मैं पहले से सॉल्व कर कर आया हूँ इसलिए मुझे पता है, पहली दफा आप जब सवाल को देखोगे तो आपका जहन क्लिक नहीं करता एक अच्छे सॉल्यूशन के होता है। कभी होता है कि हमारे जहन में बड़ा वाला सॉल्यूशन क्यों आ रहा होता है, घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही होता है, इसी तरह आप सीखते हो, लेकिन आप लोगों के पेपर में जो 18 सवाल हैं इससे हटके देंगे नहीं, कोई वो ये वाले सवाल देगा होंगे, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। बुक के सवाल अगर आपने किए हैं प्रैक्टिस तो आपको पता होगा पेपर में कि इनके सॉल्यूशन कौन से अच्छे वाले हैं। वैसे तो यार जाहिर सी बात है पहली दफा करो तो डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, मे बी आपके दिमाग में शॉर्ट वाला तरीका ना आए, पॉसिबिलिटी है बिल्कुल। फिर इसके बाद लिख देना टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, फिर नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट ले लेना, ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, आंसर आ जाएगा √3 tan x + 1, 0 का √ तो 0 होता है, यहां से आ जाएगा tan x = -1/√3, यहां से हो जाएगा tan inverse -1/√3, तो सॉल्व करना कैलकुलेटर आंसर देगा -π/6, इसको पॉजिटिव बना देना, पॉजिटिव कैसे बनाते हैं पाई ऐड करके, तो ये आपके पास एक एंगल आ गया। सॉल्यूशन सेट आप कैसे लिखोगे, क्योंकि टेंजेंट का केस है तो अब आप सॉल्यूशन में एन पाई ऐड करोगे, नॉर्मली आप 2n π ऐड करते हो, लेकिन टेंजेंट की इक्वेशन को आपने सॉल्व किया तो अब यहाँ पे n π करोगे। तो बच्चों डिटेल मैंने पूरी एक्सरसाइज आप लोगों को क्लियर कर दी है, कोई सवाल हो या कोई मसला। अच्छा बुक की एग्जाम्पल्स भी है यहाँ पे, अगर आप एग्जाम्पल्स को देखो तो 3 एग्जाम्पल है। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 है 383 पे, बहुत इजी इक्वेशन है 1 - cos x = 1/2, इसको सॉल्व किया हुआ है और इक्वेशन है cos inverse 1/2, cos inverse 1/2 का एक एंगल मिलेगा π/3, दूसरा आप 2π में से माइनस करना तो 5π/3 आ जाएगा। ये तो कहीं सॉल्व भी करवाया है मैंने, इतना मुझे पता कहीं ना कहीं सॉल्व हुआ भाई, जो 18 क्वेश्चन आपने किए ना उसमें चीज कहीं ना कहीं आई भी है, तो दोनों एंगल सेटिस्फाई करें तो जनरल सॉल्यूशन भी आपने लिख दिया। फिर एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 2 में tan x = +-1/√3 आ रहा है, तो एक दफा आपने सॉल्व किया हुआ है tan x = 1/√3, उसको सॉल्व किया tan inverse 1/√3 π/6, टेंजेंट में एक ही एंगल आप निकालते हो तो π/6 आ रहा है, आप जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, π/6 π/6 + n π। एग्जाम्पल नंबर 2 है पेज नंबर 384 पे, फिर टेंजेंट एक्स दो इक्वेशन आ रही थी ना, एक थी tan x = +1/√3 जिसका सॉल्यूशन ये है, और दूसरी इक्वेशन है tan x = -1/√3, उसको जब सॉल्व करोगे तो tan inverse -1/√3 एग्जैक्ट ये चीज आ रही होगी, आपको आंसर मिलेगा -π/6। अब देखो बुक ने नेगेटिव एंगल ही कंसिडर किया है, अगर आप बुक का जनरल सॉल्यूशन देखो ना उन्होंने दोनों चीजों को एक साथ लिखा है, मतलब एक सॉल्यूशन आ रहा है π/6 + n π और बुक के मुताबिक एक आ रहा है -π/6 + n π, तो उन्होंने दोनों को एक साथ लिख दिया +π/6 - π/6 और इसके अंदर एन पाई ऐड किया है, तो इस तरह भी कर सकते हो, या मैंने आपको बताया था कि बेहतर है कि नेगेटिव एंगल से बेहतर है आप इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो, सारे एंगल पॉजिटिव के फॉर्म में हो, मर्जी आप किस तरह भी कर सकते हो, पॉजिटिव भी कर सकते हो, तो अगर -π/6 को पॉजिटिव करोगे तो अगेन 5π/6 आएगा, तो मेरे सॉल्यूशन के मुताबिक आप इस तरीके से लिखोगे, एक इक्वेशन ने आपको 5π/6 दिया, दूसरी इक्वेशन ने आपको 5π/6 दिया है, और ये आपका जनरल सॉल्यूशन है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। अच्छा उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 3 भी इसी किस्म की है, यानी एग्जाम्पल नंबर 3 जो है ये क्वेश्चन नंबर
17 जो है क्या सिर्फ वही है रूट 3? नहीं, थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क आ रहा है इसके अंदर। खैर, तो इसको सॉल्व करना, रूट 3 कॉर्टेक्स में रखा है, बिल्कुल इसी अंदाज में सॉल्व किया था जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 17 को आपको करवाया था, स्क्वायरिंग की है सिंपल। अब देखो, अगर आप एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 384 पे देखो, तो जो क्वेश्चन है पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा स्टेप अगर आप देखो तो राइट हैंड साइड पे कोसेक आ रहा है जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे कॉट स्क्वायर है। तो एक काम करो, कॉट स्क्वायर को भी कन्वर्ट कर दो कोसेक की फॉर्म में ताकि पूरी इक्वेशन सेम हो जाए। तो उन्होंने यही काम किया, लिखा कॉट स्क्वायर जो है बराबर है कोसेक स्क्वायर माइनस वन के, पूरे सवाल में कोसेक स्क्वायर हो गया। फिर उन्होंने मिडिल टर्म ब्रेक की हुई है, मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद एक फैक्टर आ रहा है कोसेक एक्स माइनस टू और एक आ रहा है कोसेक एक्स प्लस वन, दोनों को इक्वल टू जीरो रखा। यहाँ पे जो पहली इक्वेशन है ना कोसेक एक्स इज इक्वल टू टू, कोसेक एक्स इज इक्वल टू का क्या लिख सकते हो, साइन एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू। ये मैंने आप लोगों को शुरू शुरू में बताया था कि कोसेक की जगह अगर आप साइन लिखना चाह रहे हो तो राइट हैंड साइड पर ऐसे करोगे। तो एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन है कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस वन जो कि बराबर होगा साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन का रेसिप्रोकल माइनस वन होता है। तो ये दो इक्वेशन है। तो पहली वाली इक्वेशन तो यार बहुत दफा आप लोगों ने देखी होगी, इसके मशहूर जमाना एक सॉल्यूशन है पाई बाय सिक्स और एक है फाइव पाई बाय सिक्स, और साइन एक्स इक्वल टू माइनस वन को कैसे सॉल्व करोगे, हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस वन। अगर आप कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे कैलकुलेटर आंसर देगा माइनस पाई बाय टू। दूसरा एंगल साइन के केस में आप कैसे निकालते हो, पाई में से माइनस करते हो, तो पाई माइनस माइनस पाई अपॉन टू, इसको सॉल्व करो ये हो जाएगा सिंपल थ्री पाई अपॉन टू। तो दूसरा एंगल आपको मिल रहा होगा थ्री पाई अपॉन टू और पहला वाला एंगल नेगेटिव है, मैंने कहा था इसको पॉजिटिव बना दो, तो पॉजिटिव कैसे बनाओगे, इसके अंदर टू पाई ऐड कर दो ना। तो इसके अंदर जब आप टू पाई ऐड करोगे माइनस पाई अपॉन टू के अंदर, तो ये भी आपको आंसर थ्री पाई अपॉन टू दे रहा होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे जीरो से लेके 360 डिग्री के दरमियान एक ही ऐसा एंगल है जिसपे साइन एक्स माइनस वन होता है और वो है थ्री पाई अपॉन टू, मतलब 270 डिग्री। तो माइनस पाई पॉइंट टू और थ्री पाई पॉइंट टू एक ही बात है, वो जब आपने टू पाई ऐड किया तो आपको अंदाजा हो गया कि एक ही बात है ये। तो दैट्स वाई दो अलग नहीं है, इनको आप एक ही ट्रीट करना। ये करने के बाद जब आपको समझ आ गया कि दोनों एक ही चीज है, तो फिर आप इसके बाद एक ही चीज देखना कि यहाँ पे आपको एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है एक्स इज इक्वल टू थ्री पाई पॉइंट टू। अब जरा बुक में देखते हैं क्या किया है। अच्छा, इन्होंने अगर आप देखो तो बुक में इन्होंने थ्री पाई पॉइंट टू और माइनस पाई पॉइंट टू को अलग ट्रीट किया है, काइंड ऑफ बेवकूफी है, एक ही चीज है, कोई फर्क ही नहीं है ना इसके अंदर, वैल्यू भी सेम ही होगी, नेगेटिव एंगल लिखना थोड़ा वैल्यू में फर्क पड़ेगा भाई। ये है -90 और ये है 270, दोनों इस पे आके रुक रहे हैं, तो फिर क्या फर्क होगा, दोनों सेम ही तो एंगल है, इस पे वैल्यू में फर्क कैसे हो सकता है, या ये इन दोनों को अलग आप कैसे ट्रीट कर सकते हो, एक ही बात है। लेकिन बार उन्होंने वेरीफाई करते हुए थ्री पाई पॉइंट टू को अलग किया हुआ है, माइनस पाई पॉइंट टू को भी अलग पुट कर किया हुआ है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। तो ये भी थ्री पाई पॉइंट टू भी वेरीफाई कर रहे हैं और जो आपने ऊपर देखे थे पाई बाय सिक्स और फाइव पाई बाय सिक्स ये भी वेरीफाई कर रहे हैं। तो जनरल सॉल्यूशन में किस तरह आप लिखोगे, पाई बाय सिक्स वाला लिख दिया और फाइव पाई बाय सिक्स इन्होंने कहा लिखा। अच्छा, उन्होंने एक सॉल्यूशन खा गए। अच्छा, फाइव पाई बाय सिक्स सेटिस्फाई नहीं कर रहा, जब उन्होंने फाइव पाई बाय सिक्स पुट किया तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो एक पाई बाय सिक्स बचा और एक थ्री पाई पॉइंट टू बचा। बुक वालों ने अगेन ये बहुत अजीब सी हरकत करते हैं लोग, कि अगर आप जनरल सॉल्यूशन देखो जो पेज 385 पे लिखा था उसमें माइनस पाई अपॉन टू के अंदर भी टू एन पाई ऐड किया हुआ है और थ्री पाई अपॉन टू के अंदर भी टू एन पाई ऐड किया हुआ है, तो फर्क सेम ही चीज है, ये सेम ही आपको एंगल देना, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। जैसे सॉल्यूशन है ना माइनस पाई बाय टू प्लस टू एन पाई, इसी तरह थ्री पाई अपॉन टू प्लस टू एन पाई, ये सेम ही आपको एंगल देना, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर, आपको शायद दिखने में लग रहा है ये सेम ही एंगल आपको देंगे, सॉल्यूशन सेम ही होंगे, एग्जैक्ट सेम होंगे। जब आप यहाँ पे एन की जगह जीरो पुट करोगे ना तो यही चीज बचेगी, मतलब -90 डिग्री। जब एन की जगह वन पुट करोगे तो आंसर मिलेगा 270 डिग्री। एन की जगह जब आप यहाँ पे टू पुट करोगे तो आंसर आपको मिलेगा 630 डिग्री, आई गेस 630 मिल रहा होगा ना, जब इसके अंदर 360 ऐड करोगे, हाँ 630 मिल रहा होगा। तो ये एन की वैल्यू 0, 1, 2, 3 पे आपको वैल्यू मिल रही। इसी तरह यहाँ पे एन की जगह जीरो पुट करो 270 मिलेगा, एन की जगह अगर आप वन पुट करो तो यहाँ पे आपको 630 मिलेगा। तो देखो वही चीजें मिल रही हैं। अच्छा, मैंने कहा था एन नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि एन यहाँ पे इंटीजर होता है ना, नॉर्मली हम नेगेटिव पुट करवाता नहीं, मैं जीरो से स्टार्ट करवा रहा होता हूँ, लेकिन नेगेटिव भी तो आप पुट कर सकते हो ना। एन की जगह बिल्कुल यहाँ पे माइनस वन पुट करोगे तो थ्री पाई अपॉन टू माइनस टू पाई, ये आपको मिलेगा माइनस पाई अपॉन टू, मतलब -90 डिग्री, तो -90 भी आपको मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये एक ही चीज है, इनमें कोई फर्क नहीं है, ये सेम ही सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं, तो एक ही चीज को दो दफा लिखने का क्या फायदा है, उसका मतलब कोई एक चूज कर लो। मैंने आप लोगों को बताया कि नॉर्मली हम पॉजिटिव एंगल ले रहे होते हैं, तो अभी वाला चूज कर लो,
या आप खाली ये वाला चूज कर लो, कोई एक चूज कर लो, इसमें से दो ना लिखो। तो यहाँ पे दो ही जनरल सोल्यूशन है, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। तो पाई बाय सिक्स प्लस टू एम पाई और थ्री पाई अपॉन टू प्लस टू एम पाई, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो एग्जाम्पल्स भी खत्म हो गई, 12.5 भी मैंने खत्म करवा दी, सवाल एक्सरसाइज आपकी पूरी कंप्लीट हो गई। सबसे पहली बात, ये बात बुक में डिस्कस नहीं है, लेकिन इस चीज को आप ध्यान में रखो, दो किस्म की चीजें हो सकती हैं। कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कभी ये वाली सिचुएशन आए, तो सवाल इस तरीके से लिखा हुआ है, ये एमसीक्यू लेवल में सवाल आते हैं, आप लोगों के शायद लेवल पे ना आए, ई कैट लेवल पे आते हैं। तो आमतौर पर बच्चे समझते हैं कि यार जब भी इनवर्स ऑफ साइन आता है ना, इसको आपस में कैंसिल करो, दैट्स इट, आपका आंसर आ जाएगा। तो आमतौर पर बच्चे कहेंगे सर साइन और साइन इनवर्स को आप कैंसिल करें, आंसर इसका 30 डिग्री का आ जाएगा। बात बिल्कुल सही है। अगर आप, अच्छा ये उन यूनिवर्सिटीज में आएगा जिसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, वरना कैलकुलेटर अलाउ है फिर तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो ना इसको। यहां तक तो बात बिल्कुल ठीक है, अगर आप बुक से निकालो, कैलकुलेटर से निकालोगे ये आंसर आ रहा होगा। लेकिन मसला होता है इस वाली सिचुएशन में जाके कि बिलफर्ज अगर आपके पास ये चीज आता है, फॉर एग्जाम्पल इसके आंसर में भी 30 डिग्री आ रहा है, जबकि अगर आप देखो आप कैंसिल वाला काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, अगर आप साइन और साइन वर्स को कैंसिल करोगे तो आंसर 150 डिग्री आना चाहिए था, लेकिन कैलकुलेटर 150 नहीं आपको देगा, कैलकुलेटर 30 दे रहा होगा। तो मसला ये है कि ये कॉन्सेप्ट जहन में रख लो कि अगर यहाँ पे जो भी एंगल है अगर वो साइन इनवर्स की रेंज में आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को याद हो साइन इनवर्स की रेंज थी -90 और 90 के दरमियान, तो अगर कोई एंगल यहाँ पे -90 और 90 के दरमियान मौजूद है तो फिर एक कैंसिल वाला काम आसानी से आप कर सकते हो, कैंसिल करके आंसर में लिख दोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाए -30, अब देखो -30 के अंदर आता है ना, तो दैट्स इट, आप साइन और साइन इनवर्स को कैंसिल करो, आंसर आ जाएगा -30। लेकिन अगर कोई यहाँ पे ऐसा एंगल मौजूद है जो साइन इनवर्स की रेंज में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 150 डिग्री जो है 150 डिग्री के अंदर नहीं आता, तो फिर आप कैंसिल करके आंसर नहीं लिख सकते, फिर आपको डिफरेंट तरीके करने पड़ते हैं। और डिफरेंट तरीके का मतलब ये कि सिंपल 150 डिग्री को आप कन्वर्ट कर लो किसी तरह इस रेंज के अंदर। ये बात आप लोगों को पता यार कि 150 तकरीबन यहाँ पे होता है, तो जो यहाँ पे आपको साइन की वैल्यू मिल रही होती है सेम वैल्यू यहाँ पे भी आपको मिल रही होगी, मतलब 30 डिग्री जो होता है। तो 150 की जगह आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे 30 लिख दोगे। लेकिन अब ये अलग कॉन्सेप्ट है, बहुत डिटेल में मैं जाना नहीं चाह रहा, लेकिन बेसिक सी बात आप लोगों को क्लियर करना चाह रहा हूँ। मैक्सिमम केसेस में जो यहाँ पे एंगल होता है वो उस रेंज के अंदर ही होता है, तो वहां पे आप क्या करोगे, डायरेक्ट कैंसिल करोगे और जो आपके पास आंसर है वो लिख दोगे। और अगर ऐसा ना हो तो फिर आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, इस 150 डिग्री को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी तरह इस रेंज के अंदर। आपको पता है साइन की 150 पे वैल्यू भी 1/2 होती है और साइन की 30 पे भी 1/2 होती है, तो 150 की जगह आप यहाँ पे 30 लिख दोगे और उसके बाद कैंसिल करोगे तो आंसर 30 डिग्री आता है। तो ये साइन इनवर्स के अंदर है। इसी तरह कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स के अंदर भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आ जाए कॉस इनवर्स कॉस 30 डिग्री, अगेन आपने नॉर्मली बच्चे समझते हैं कि कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ गया। लेकिन मैक्सिमम केसेस में तो चीज सही है, लेकिन कुछ केसेस में आप फंस जाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आ जाए कॉस -30, अब आप कॉस इनवर्स और कॉस को कैंसिल करके आंसर -30 नहीं लिखोगे इसका। अगर आप आंसर कैलकुलेटर से निकालोगे ना तो कैलकुलेटर इसका आंसर 30 डिग्री दे रहा होगा, चेक करके देख लेना। क्यों? क्योंकि कॉस -30 क्या होता है, कॉस -30 होता है √3/2, और जब आप कॉस इनवर्स √3/2 निकालोगे तो 30 डिग्री आएगा। ये पीछे कॉन्सेप्ट चल रहा था। तो अब कॉस इनवर्स की आपने रेंज क्या पढ़ी थी, 0 और 180 डिग्री के दरमियान होना चाहिए, लेकिन -30 इस रेंज के अंदर नहीं आता। तो आप क्या करोगे, पहले -30 को इस रेंज के अंदर लाओगे। अब वो कॉन्सेप्ट डिस्कस मैं करना नहीं चाह रहा, बहुत डिटेल हो जाएगी, लेकिन -30 इक्विवेलेंट होता है 30 डिग्री के बराबर। तो जब आप इधर ऐसा एंगल ले आओगे जो रेंज के अंदर आ रहा है, फिर आप आसानी से कैंसिल करोगे और आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो कॉस इनवर्स के अंदर आपने ख्याल रखना होता है कि इसके अंदर एंगल मौजूद होना चाहिए, आप डायरेक्ट कैंसिल करके सॉल्व कर लेते हैं। और अगर टेंजेंट इनवर्स की बात की जाए, सेम टेंजेंट की अगर आपको रेंज याद हो, टेंजेंट की रेंज ये थी बस, मतलब साइन में -90 और 90 शामिल था, टेंजेंट इनवर्स में ये शामिल नहीं है, बाकी वही रेंज है जो आपने साइन के अंदर पढ़ी। तो अगर वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भी अगर कोई इस रेंज के अंदर एंगल होगा तो डायरेक्ट आप कैंसिल करोगे और आंसर लिख दोगे। लेकिन अगर इस रेंज के अंदर नहीं है तो फिर आपको वही जो कॉन्सेप्ट आपने सीखे उस एंगल को आपने कन्वर्ट करना पड़ेगा इस रेंज के अंदर, मतलब ऐसा एंगल आपको ढूंढना पड़ेगा कि जिसपे टेंजेंट, मतलब जो एंगल, फॉर एग्जाम्पल सवाल में आपको गिवन हो जाए 150 डिग्री, अब देखो 150 इस रेंज के अंदर नहीं है, तो आपको ऐसा एंगल इस रेंज के अंदर ढूंढना है जिसपे टेंजेंट की वही वैल्यू हो जो टेंजेंट की 150 पे वैल्यू है। तो फॉर एग्जाम्पल 150 यहाँ पे होता है, तो टेंजेंट के केस में आप क्या करते हो, उसको पीछे कर देते हैं, ये वाला एंगल होगा -30, तो मुझे पता है टेंजेंट की 150 पे और टेंजेंट की -30 पे सेम वैल्यू होती है, तो मैं क्या करूंगा इस 150 को कन्वर्ट कर दूंगा -30 की फॉर्म में। अब मैं आसानी से कैंसिल करके आंसर लिख सकता हूं -30।
तो ये थोड़ा एडवांस है, लेकिन बेसिक बात बस आपको बतानी चाहिए कि कैंसिल वाला काम उस वक्त होगा जब जो एंगल्स देखे हैं वो अगर इन्वर्स की रेंज के अंदर आ रहे हैं तो डायरेक्ट कैंसिल करोगे, अगर नहीं आ रहे तो आपको थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ती है, वो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स में आप लोगों को बताई भी है, तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो। एक ये वाला केस है। दूसरा एक है, अगर इन्वर्स अंदर चला जाए और साइन बाहर आ जाए फिर तो कोई घबराने की जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप साइन को बाहर ले आओ और इन्वर्स को अंदर ले जाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सिचुएशन गिवन है कि अब इन्वर्स अंदर चला गया साइन बाहर आ गया, अब कोई घबराने की जरूरत ही नहीं है, कोई इसमें मसला नहीं है, स्ट्रेट अवे हर केसेस में ये कैंसिल होंगे और आंसर आपके पास वही आया करेगा। इस वाले केस में कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि देखो मसला कौन करता है, मसला इन्वर्स करता है। तो अगर इन्वर्स बाहर है तो इश्यू हो रहा है, अगर इन्वर्स अंदर है ना फिर मसला नहीं है, क्योंकि साइन इन्वर्स 1/2 क्या होता है 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री निकालो तो 1/2 आएगा। आप कोई भी दुनिया जहां की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू पुट कर दो ये हमेशा कैंसिल होंगे और आंसर में आपको वही चीज मिल रही होगी। तो अगर सिंपल फंक्शन बाहर है और इन्वर्स अंदर है तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास आ जाए कॉस कॉस इनवर्स फॉर एग्जाम्पल -√3/2 तो कैंसिल करो, डायरेक्ट लिखो -√3/2, इसमें कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है, आसानी से आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बशर्ते देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है वो मतलब 2 नहीं आ जाए। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है साइन इनवर्स 2 पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ ना हो, एमसीक्यू उसमें देते भी नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे साइन इनवर्स 2 आ जाए। अब इस चीज को छोड़ो, साइन इनवर्स 2 तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो सेंस ही नहीं बनती। इतना तो आपको बेसिक सी बात पता होनी चाहिए कि यार साइन इनवर्स 2 पॉसिबल ही नहीं है। साइन इनवर्स 2 का मतलब ऐसा एंगल जिसपे साइन की वैल्यू 2 होती हो, ऐसा कोई एंगल ही नहीं है, तो इसकी तो सेंस ही नहीं बनती, कैलकुलेटर में पुट करोगे एरर आ जाएगा। तो इतना आपको बताना चाहिए, अंदाजन कैंसिल करके 2 नहीं लिख देना, इतना नॉलेज तो इसके अंदर भी आपको चाहिए। इसमें थोड़ा मजीद चाहिए होता है नॉलेज के एंगल को कन्वर्ट करो, इसमें बस आपको इतना नॉलेज पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स के अंदर आप 1 से बड़ा कुछ नहीं पुट कर सकते, इसी तरह कॉस इनवर्स के अंदर भी 1 से बड़ा कुछ नहीं पुट कर सकते। हाँ टेंजेंट इनवर्स के अंदर आप कुछ भी पुट कर लो, उसमें तो मसला नहीं है, लेकिन साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में आप 1 से बड़ा और -1 से छोटा कुछ नहीं पुट कर सकते। ये नॉलेज होगी तो डायरेक्ट कैंसिल करोगे आंसर आ जाएगा। तो एक तो मुझे ये चीज बतानी थी जो आपकी बुक में गिवन नहीं है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो थोड़ी टॉप की यूनिवर्सिटीज है पाकिस्तान की, नर्स पास प्यास इनमें एक ट्रिग्नोमेट्री में ये चीजें कहीं ना कहीं आ जाएंगी, और कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता तो आप कैलकुलेटर का सहारा ले नहीं पाओगे। तो इसी लेवल पे सीख जाओ ताकि बाद में ज्यादा पैसे देके तैयारी करो अलग से, तो बेहतर है अभी फर्स्ट या सेकंड में सीख जाओ सब चीजें।